नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसी एस्ट्रो। और बात आज हम करने वाले हैं आपके जून महीने की। जून 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट जून 2023 में होगा जब शनिदेव महाराज वक्री हो जाएंगे। तो किस लगन के लिए, किस राशि के लिए क्या क्या लेके आ रहा है जून का महीना, कितनी खुशियां, कितने आपको प्रिकॉशंस लेने, आइए देखते हैं। और स्वागत करते हैं आकाश चौहान जी का, जो अपने पूरे एनालिसिस के साथ कनाडा से हमारे लिए बिल्कुल तैयार है। आकाश जी नमस्कार। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार रोहित जी। जून 2023 की बात करेंगे। ये रहा जून 2023। इसको मैंने नाम दिया है मिरेकल मंथ, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल चीजें हो रही है इसमें। अच्छा, ब्यूटीफुल हो रही है। शनिदेव वक्री हो जाएंगे, पर वक्री होने के लिए भी लास्ट में मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज बताइए, जो शनिदेव वक्री होने के बाद ही करते हैं। शनिदेव की वक्री होने के बाद हमेशा खराब ही नहीं होते, वो अच्छा भी करते हैं। तो रोहित जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मेष राशि से, मेष लगन से। लेकिन उसके पहले डिस्कस कर ले कि जून में हो क्या रहा है। जून में शुक्रदेव जो है वो कर्क राशि में चले जाएंगे 30 मई को ही, मतलब 30 मई को ही होगी, इसलिए जून के पहले ही मैंने वो डाल दिया ताकि वो लास्ट डे पे होता है। और बुधदेव चले जाएंगे शुक्रदेव के घर में 7 जून को, और सूर्यदेव चले जाएंगे बुधदेव के घर में 15 जून को। ठीक है। शनिदेव 17 जून को वक्री हो जाएंगे, ठीक है, और वो भी वक्री होंगे जो सत्विशा नक्षत्र में। और बुधदेव यानी वापस से 24 तारीख को, अभी बुध वक्री थे थोड़े दिन पहले, एंड फिर डायरेक्ट हो गए 15 मई से, और अब 24 जून, अभी फटाफट फिर तो बुध फास्ट चलने लगे हैं वापस। देखो वो टॉरस में आ गए, फिर अब वो जेमिनाई में यानी मिथुन में जा रहे हैं। सो अब बुध फटाफट भागने लग गए। नाउ बात करते हैं मेष लगन वालों की। रोहित जी देखिए, मेष लगन वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका जो अभी फर्स्ट हाउस है ना, वो बहुत क्राउडेड था, और अब जाके यहाँ पर से मरकरी जब यहाँ से निकल जाएंगे तो सिर्फ गुरु और राहु रह जाएंगे यहाँ पर। तो शुक्रदेव जो है वो ऑलरेडी 30 मई को आपके फोर्थ हाउस में यानी डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस के घर में आ गए हैं। यहाँ पर वो एकदम सम होते हैं, ना आपको नुकसान पहुंचाएंगे ना आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। वो चंद्र के घर में आए हैं, वो यहाँ आके बिकॉज इस घर में वो इस पूरे राशि में यानी मेष लगन में वो मारक है, ये हमें याद रखना है। वो सेकंड और सेवंथ दोनों हाउस के ओनर है, तो इसलिए वो मारक है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है अपने कोई भी लैंड डीलिंग्स करने से, या कोई भी डीलिंग रिलेटेड टू व्हीकल सेलिंग, ये सब करने के लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोई गलत फैसला ना ले लें। लेकिन अच्छी बात यह है रोहित जी कि करियर में ये आपको अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है वो पड़ेगी 10वें घर पे, और 10वां घर इनके मित्र परम मित्र यानी शनिदेव का है। और शनिदेव के घर में डालने से आपको आपके वर्क प्लेस पे बेनिफिट मिलने के चांसेस है। जून के महीने में मेष लगन वालों को तो मुझे लगता है वैसे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके लगन के मालिक पूरे महीने ही नीच रहने वाले हैं। रहने वाले उसके साथ साथ रोहित जी, लगन के मालिक नीच तो है ही है, लेकिन यही जुपिटर वहां पर या यही शुक्रदेव वहां पर थोड़ा सा दृष्टि डाल के ना, वो थोड़ा सा एरिया को शांत करेंगे, क्योंकि वो 0 पावर में आ गए हैं, तो ये थोड़ा पावर देंगे 10th हाउस। ठीक है। और रोहित जी यहाँ पर देखो बुधदेव जो है वो 7 जून को ये चले जाएंगे वीनस के घर में, और यहाँ पर भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं, जहाँ पर सूर्य ऑलरेडी बैठे हुए हैं अभी रोहित जी, ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। यहाँ पर जाके आपको धन लाभ या पैसे में कोई तरक्की या कोई फिक्स्ड एसेट आपके बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। परिवार के साथ भी बहुत सुख रहेगा आपको इस टाइम पर, सो इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन। अब रोहित जी 10 जून से 20 जून के बीच में सूर्यदेव जेमिनाई में आ जाएंगे, यानी वो आ जाएंगे आगे बढ़कर अपने यहाँ पर थर्ड राशि में। अब देखिए सूर्यदेव इस कुंडली में 5th हाउस यानी क्रिएटिविटी को रूल करते हैं। थर्ड हाउस में जाने के बाद दैट मीन्स यू विल बी क्रिएटिवली, आपकी कम्युनिकेशन में क्रिएटिविटी आ जाएगी, आप कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिवली काम करना शुरू करेंगे। बुध आपके पैसों के घर में बैठ के अच्छे से वहां पर आपको पैसे बनाने की कोशिश कर रहा होगा, और उसी तरह सूर्यदेव यहाँ पर थर्ड हाउस में आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिव बनाने की ठान लेंगे कि चलो इनको अभी इनके अंदर क्रिएटिविटी से भी ज्यादा तेज भरा जाए, तेज लगे, और आपकी आपकी वाणी में
बहुत ज्यादा तेज होगा, आपकी वाणी में बहुत ज्यादा कन्विंसिंग पावर होंगी इस टाइम पे। एंड इसके बाद अगर रोहित जी आगे देखें तो यहाँ पर आ रहा है सबसे बड़ा इवेंट एरीज एसेंडेंट वालों के लिए, और वो है सूर्यदेव, शनिदेव, जो इनके लाभ स्थान के मालिक है 11th हाउस के, हायर गोल्स के, वो हो रहे रेट्रोगेट। यहाँ पर रोहित जी इनको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शनिदेव का रेट्रोगेट होना कर्म की तरफ, यानी कर्म की तरफ रेट्रोगेट होना, देखिए ये जो रेट्रोगेट होंगे तो ये विल बी गोइंग टुवर्ड्स द 10th हाउस, और यहाँ पे कर्म की तरफ रेट्रोगेट होने से इसका मतलब ये होता है कि आपके वर्क प्लेस में कोई स्ट्रेस बढ़ सकता है, या वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है इस टाइम पे। आपके गेन्स भी ना, जिस तरह से शनिदेव आपको गेन्स देने लगे थे, आपको पैसे मिलने लगे थे, इस टाइम पर वही पैसे आपको सोच समझ कर संभाल कर खर्च करने हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, आपका लग्नेश, लगन का मालिक नीच है। सो हमें, और शनिदेव उनकी तरफ ही आ रहे हैं पीछे, और दोनों की मित्रता नहीं है, इसलिए हमें ध्यान रखना है रोहित जी कि इनका किस तरह से ये टाइम, ये बहुत चैलेंजिंग टाइम होगा। बट ऑन अ अदर वे, अगर आप स्पिरिचुअली अंदर से कोई बहुत ज्यादा डिजायर है आपके अंदर, जब आदमी को तकलीफ होती है तभी भगवान नजर आते हैं, जब खुशी होती है ना भगवान नहीं नजर आता है। तो ये तकलीफ जब थोड़ा सा होगा ना, तो स्पिरिचुअली भी आप काफी इवॉल्व हो जाएंगे इस टाइम पर। तो जो उसके बाद बहुत अच्छा इवेंट ये होने वाला है कि बुध देव आ जाएंगे अपने तीसरे घर में अपने साथ, और यहाँ बनेगा बुध द्वितीय योग तीसरे घर में, और ये बहुत ब्यूटीफुल होगा कम्युनिकेशन के लिए, बहुत ब्यूटीफुल होगा अगर आपका कोई इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ कोई पब्लिश कर रहे हैं बुक, कोई मीडिया में है, कोई आर्ट्स में है, कोई बिजनेस में है, इन सब के लिए बहुत बहुत लाभ वाला टाइम होगा। हेल्थ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो यहाँ पर वी कैन सी हेल्थ रिकवर होते हुए। सो एरीज एसेंडेंट वालों के लिए बहुत मिक्स्ड सा है ये मंथ, बट शुभ बात ये है कि सूर्य यानी आत्मा और दिमाग दोनों सही जगह पर है पूरे महीने, खाली मेहनत, ठीक है। थर्ड हाउस देखो पराक्रम का घर भी होता है, और जब सूर्यदेव वहां पर आ जाए तो पराक्रम ही बना देते हैं, वो बहुत मेहनत एक्सेसिव करवाएंगे रोहित जी, बहुत एक्सेसिव करवाएंगे। लेकिन इसी टाइम पर इन्हें ध्यान रखना है कि कहीं ये अपनी जॉब में किसी से कुछ उल्टा सीधा ना कह दे, क्योंकि क्या होता है जब आदमी बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ओवरवर्क होता है, तो इस टाइम पर उसे थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एक मिरेकल स्टोरी आज किसी क्लाइंट के साथ हुई मेरे, रोहित जी उनको बेबी नहीं हो रहा था फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, बोलते कंसीव ही नहीं किया मेरी वाइफ ने, मेरे पास एविडेंस है ऑन ऑन इस वॉइस मैसेज एंड चैट, मैं आपको भेजूंगा। उन्होंने लिखा कि आकाश जी लास्ट 1 महीने पहले उन्होंने मेरे से कंसल्टेशन की थी, एंड आज गुड न्यूज आ गई। अरे वाह, और वो, अच्छा अच्छी बात सुनो, हस्बैंड इज अ डॉक्टर MD, ओह माय गॉड, ठीक है। सो कभी कभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इतना इम्पोर्टेंट है ना कि आप नहीं समझ सकते क्या हो जाए आपके बारे में। सो होप फॉर द बेस्ट एरीज एसेंडेंट वालों के लिए रोहित जी, ये था प्रेडिक्शंस। एरीज, और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मेष लग्न के लिए प्रेडिक्शन तो दी, कई बार भगवान के साथ जुड़ना अति आवश्यक हो जाता है। आप डॉक्टर हो या दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हो, लेकिन जो काम प्रकृति ने करना है, जो भगवान ने करना है, भगवान ने करना है। तो बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई, और अच्छी खबर ये भी है कि आप लोग बहुत हमें प्यार दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हमारे परिवार का जो हिस्सा बन रहे हैं CS2 का। और अगर आप इस वीडियो के लिए, इस चैनल के लिए अभी नए हैं, तो आप भी सब्सक्राइब बटन दबाएं और ACS2 का हिस्सा बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का तहे दिल से। और जो पर्सनल कंसल्टेशन आकाश जी से लेना चाहते हैं, जैसे अभी वो एक किस्सा बता रहे थे कि एक डॉक्टर दंपत्ति ने जब उनसे कंसल्टेशन ली, 10 साल से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, अभी लास्ट मंथ कंसल्टेशन ली और खुशखबरी आ गई। हमें भी अच्छा लगता है, किसी के घर किलकारी गूंजेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं आकाश जी से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे डिटेल सेंड करें, टीम आपको कांटेक्ट करेगी और वीडियो कंसल्टेशन आप आकाश जी के साथ पा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे वृषभ लग्न वालों के लिए। इनके लिए जून 2023 का ये पूरा फुल फ्लैज महीना कैसा रहने वाला है, हम आपको बहुत जल्दी ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जून के लिए अभी से प्रिपेयर भी हो जाए। रोहित जी टॉरस एसेंडेंट के लिए देखिए कि ट्रांजिट्स कैसे हो रहे हैं, मैंने वो राइट साइड में लिखा हुआ है, और इसलिए प्लैनेट्स का इंटरप्रिटेशन भी दिया है कि किस तरह से कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है। सो रोहित जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुक्रदेव जो है वो चले जा रहे हैं अब इनके घर में, या चंद्रदेव के घर में। अब यहाँ पर वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, बट ठीक है,
इतना खराब भी नहीं होते, क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश जब थर्ड हाउस में जाएगा तो आपकी कम्युनिकेशन में सौम्यता लाएगा, आपकी कम्युनिकेशन में बहुत रिलैक्सेशन लाएगा, यू नो आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होगी इस टाइम पर, आप काफी अपने दिल की बात ना बिना ज्यादा वर्ड्स कहे समझा पाएंगे किसी को। सो दिस इज द टाइम, ये वीनस जो है ना ये, और जो लोग रिलेशनशिप्स में, जो लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं, सो ना कहीं आपके पार्टनर्स आपको अंडरस्टैंड करने की अभी कोशिश करेंगे। यहाँ पर रोहित जी देखिए, मरकरी यानी बुध देव एंटर कर जाएंगे टॉरस में 7 जून को। टॉरस इनका लगन है और लगन में आ गए इनके सबसे अच्छे फ्रेंड यानी बुध। बुध देव इस लग्नेश के सबसे अच्छे फ्रेंड है और बुध देव का लगन में आना का मतलब है कि अगर आप कोई डिसीजन लेने के या डिसीजन लेने के लिए आपको प्रॉब्लम चल रही थी, और जैसे देखो आपके 12वें घर का मालिक जो आपके 9th हाउस में जाके अभी नीच हो गया, जो मंगल देव है, जो पूरा महीना नीच रहेंगे, July 1st से वो नीच से बाहर आएंगे, तो ये टाइम पे आपको जो लॉसेस हो रही थी, जो आप डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आ रही थी आप में, अब मरकरी यानी बुध देव यहाँ पर आकर आपको वो पावर दे देंगे। सूर्य देव भी यहाँ पर बैठे, दैट मीन्स डिसीजन लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे रोहित जी, तो जून 10 से लेके 20 के बीच में सूर्य देव एंटर कर जाएंगे जेमिनाई में यानी दूसरे घर में, और इट इज वेरी गुड बिकॉज देखिए सूर्य देव यहाँ पर ऑलरेडी 4th हाउस के मालिक है, जो है डोमेस्टिक पीस, हैप्पीनेस, मनी, इनर पीस, यानी आपकी मदर, आपकी मदरलैंड, आपकी वाहन, आपके क्या कहते हैं, आपकी लैंड, आपके रियल एस्टेट, ये सबका घर है, और वो जा रहा है 2nd हाउस में। दैट मीन्स यहाँ पर टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए खास, यहाँ पर रोहित जी देर कैन बी समथिंग रिलेटेड टू, इनको ना कोई चीज बनने वाली है, अभी इनकी ना कोई फिक्स्ड एसेट बनने वाली है। क्या पता आप इस टाइम पे गोल्ड खरीदे, क्या पता इस टाइम पे आप सिल्वर खरीदे, क्या पता कहीं इन्वेस्टमेंट करे, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग कुछ पैसा, या आप चाहते कि आप कोई घर खरीदे, घर की डाउन पेमेंट दे दे, या कुछ कुछ भी खरीदे एसेट में, गाड़ी खरीदे, तो ये टाइम आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। अब शुरू होता है रोहित जी जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है शनिदेव। शनिदेव से ना सब डर जाते हैं कि शनिदेव हो, शनि वक्री हो रहा है। मैं देख रहा हूँ थोड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने तो पूरे इसे चाबी लगा दिए, बर्बाद हो जाएंगे, शनि हो जाएगा वक्री। सो बहुत उन्होंने वो चाबी वाला घोड़ा चला दिया है। सो यार शनिदेव का थोड़ी ना काम आपको बर्बाद करना है, शनिदेव का काम सिर्फ आपको रस्ते पे लाना है, बस और कोई काम नहीं है। अगर आप रस्ते पे है तो शनिदेव कुछ नहीं करते, रस्ते पे नहीं है तो शनिदेव ले आते हैं। किसी को डिफिकल्टी होती है, किसी को नहीं होती है। मैंने देखा कि शनि की 7.5 में लोग बड़ा खुश है कोई कोई, और कोई कोई बड़े दुखी है। सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल योर कर्मास, है ना। शनिदेव को अपने खुद का तो कर्म आपके ऊपर डाल नहीं रहा, आपके कर्म की सजा दे रहा है। सो यहाँ पर शनिदेव जब बैकवर्ड मूव करेंगे तो ये मूव कर रहे होंगे आपके, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान देना कि आपके करियर के घर में ये रेट्रोगेट हो रहे हैं। सो मेक श्योर कि इस समय कोई भी डिसीजन ऐसा ना ले करियर से रिलेटेड जो आपको, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर, जब तक ये मार्गी ना हो जाए। क्योंकि ये टाइम पे रोहित जी इनका डिसीजन लिया हुआ कहीं ना कहीं, है ना, बाद में बोलते ना खून के आंसू रोने पड़ेंगे, बोलेंगे मैंने क्यों ले लिया जल्दबाजी में। शनिदेव जो प्लैनेट है वो प्लैनेट स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो आप भी स्लो डिसीजन लीजिए। कोई भी डिसीजन अपने करियर रिलेटेड ना लीजिए, या बिजनेस रिलेटेड भी, बिजनेस बेचना, करना, बंद करना, उठना, या किसी के नाम करना, आप फिलहाल रुक जाइए 2-3 महीने की बात, बस रुक जाइए, कोई पंगा नहीं लेना। यहाँ पर से ये ना 9th हाउस की तरफ आपके वक्री हो रहे हैं, इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है। दैट मीन्स ये चाहते हैं कि इस टाइम पे आप अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी, आप अपने अंदर के गुरु को, या आप अपने गुरु जो आपके समवन हु इज, जिसको आप मानते हो, उनके लिए इस टाइम पर आपको ना आपको अपने टाइम का सेक्रीफाइस का, पैसा नहीं चाहिए उन्हें, उन्हें अपना टाइम चाहिए। वो चाहते कि आपने ये टाइम पर सेवा करे, कोई कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में कोई सेवा करे, लाइक गार्डनिंग करे वहां पर सैटरडे को या संडे जाकर, आप वहां पर कोई खाना बना भंडारा बन रहा उसमें हेल्प करे। सो इस टाइप का चीज शनिदेव चाहते हैं इस टाइम पर आपसे, तो होपफुली अगर आप ये उनकी बात पूरी कर पाए सो ये बहुत आपके लिए बहुत पॉजिटिव रेट्रोगेशन वाला मूवमेंट होगा, बहुत पॉजिटिव, राइट। तो जी इसी तरह से जून 20 से लेके 30th के बीच में
बुध देव चले जाएंगे और इन्होंने बुध आदित्य योग बना देना सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस यहाँ पर रोहित जी ब्यूटीफुल जगह पे प्लेसमेंट हो रही है बुध देव की और सूर्य देव की भी, दोनों लाइक बुध देव तो अपने घर पे ही आ गए सो दैट मीन्स अति उत्तम, एंड उसके साथ सूर्य देव आ गए, तो यहाँ पर पैसा तो आपके पास आएगा ही और तेज भी बढ़ेगा आपका सडनली, आप ना यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, आपकी स्पीच बड़ी कॉन्फिडेंट हो जाएगी। फैमिली के साथ इस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस कहीं जाने के लिए भी आपका दिन का, क्योंकि 12वें घर में राहुदेव और जुपिटर देव भी बैठे हैं। खाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मार्स आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है और वो भी हो गया है वहां पर वो डेबिलिटेटेड यानी नीच के, तो मार्स की आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। दैट मींस आपको गाड़ी वाहन सारी सब ठीक से चलानी है, और सेकंडली अपने रिलेशनशिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्या कहते हैं, सावधानी बरतनी है। सेकंड मार्स इनके थर्ड हाउस में नीच हो रहे हैं, नहीं रोहित जी नाइन्थ की, नाइन्थ पे उच्च दृष्टि है शायद मार्स, सॉरी मार्स इनके थर्ड हाउस में नीच हो रहा है, राइट राइट राइट। तो मार्स यहाँ पर, मैं तो ये कह रहा था रोहित जी, दो चीज को रूल करता है, वो रूल करता है 7th हाउस को 11th हाउस को, वाहन सब कुछ ठीक से चलाए, अपने रिलेशनशिप्स में बहुत सावधानी बरते, एंड अगर आपको कोई बीमारी टाइप फील होती है, अगर आपको फील होता है कि आप ठीक नहीं लग रहे, तो तुरंत जाके डॉक्टर को आपको इस टाइम पर दिखाना चाहिए, बिकॉज शनिदेव सतविषा नक्षत्र में है, तो इस टाइम पे वो एबिलिटी रखते है आपको क्योर करने की, रेट्रोगेट पर उनकी शक्ति तो वही है सतविषा नक्षत्र में जो राहुदेव का नक्षत्र है। यहाँ पर एंड ऑफ द वीडियो में रोहित जी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाई है शनिदेव के रेट्रोगेट होने के बावजूद वो कितने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं आपको उसके बारे में, तो डर अपने मन से निकाले। याद रखिए जब बारिश आनी है तो आप कोई नहीं रोक सकता है उसको, और जब तूफान आने तो भी कोई नहीं रोक सकता है, और जब एकदम ब्यूटीफुल मौसम होता है तब भी कोई नहीं रोक सकता है। हमें सब चीज को एंजॉय करना है और यही लाइफ है, वी हैव टू स्ट्रगल इन ईच एंड एवरी वे। सो टॉरस एसेंडेंट के लिए भी रोहित जी इट इज अ बहुत अच्छा मिक्स्ड है, बट मोस्टली बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि जो राजा प्लैनेट राजा राजा जब सेकेंड हाउस में आके बैठ गया ना, तो बाकी सब क्या कर पाए, कर सकते। सही बात, चलिए टॉरस एसेंडेंट के लिए भी ब्यूटीफुल है, लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आकाश जी ने जैसे आपको बताया है प्रिकॉशंस जो आपको बताई हैं वो आपको जरूर लेनी है, और आपका जो उत्साह है चैनल के लिए हमारे लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया, हमारे फैमिली मेंबर बने हैं, और जो लोग इस वीडियो के लिए नए हैं एक तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, ताकि बाकी आपके नियर वंस रिश्तेदार दोस्तों को भी पता लगे जून का महीना उनके लिए कैसा है, और जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं आकाश जी से वन टू वन मिलना चाहते हैं उनके लिए मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, बस आप अपनी डिटेल्स भेज दीजिए और आप वीडियो के जरिए जैसे मैं और आकाश जी बैठे ऐसे बैठ के उनसे कंसल्टेशन ले पाए। आगे बढ़ते मिथुन लग्न वालों के लिए जून 2023 का महीना क्या खास है, क्योंकि उनको वक्रत्व से तो राहत मिलेगा ही बुध के, लेकिन और क्या क्या होने वाला है आइए देखते। रोहित जी सबसे बड़ी बात है कि लग्नेश इनके अब 12वें घर में आ रहे हैं, ठीक है, उसके पहले शुक्रदेव जो इनके लाभेश मतलब एक समझ लो इनके लिए दो दो बहुत अच्छा काम करते हैं, एक तो सबसे पहले इनके 5th हाउस के ओनर है, 5th हाउस के ओनर के होने की वजह से वो भाग्य के भी ओनर हो गए, क्योंकि 9th फ्रॉम द 9th इसे देखा जाता है कि किस तरह से आपका किस्मत चलने वाला है, किस तरह से आपकी एजुकेशन होगी, किस तरह से आपकी क्रिएटिविटी होगी, वो आ गए आपके 2nd हाउस में, तो यहाँ पर फैमिली के साथ बॉन्डिंग बनाने की, फैमिली के साथ डिस्कस करके पैसा खर्चा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर 12th हाउस को भी रूल करते हैं, और 12वें घर का मालिक जब 2nd घर में आ गया तो खर्चा तो करवाएगा ही, 2nd हाउस पैसे का घर है तो खर्चे का भी घर है भाई, और याद रखना चाहिए हमें कि गुरु और राहु दोनों यहाँ पर, और फिलहाल मरकरी भी 7 जून तक, ये तीनों यहाँ पर अभी इनके 11वें घर में बैठे हैं, सो गेन्स होगा लेकिन खर्चा भी होगा, तो ये ध्यान रखना है हमें, सो इस टाइम पर खर्चे को ना बहुत अच्छे से करिए और इसको इन्वेस्ट कर दीजिए इन एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट, या कोई ना खरीद लीजिए म्यूचुअल फंड्स कोई खरीद लीजिए ना, ये टाइम पर वो ग्रो होने के चांसेस है। अब शुक्रदेव तो अपना काम अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो सेकंड हाउस में यहाँ पे समय है, मतलब ज्यादा खुश भी नहीं है ज्यादा दुखी भी नहीं है, वो ओके 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 रिलेशन रखते हैं मून के साथ। अब यहाँ पर रोहित जी जब बुध देवता जब आएंगे क्या बोलते हैं शुक्रदेव के घर में जो आएंगे 7 जून को, ये टाइम पे थोड़ा लॉसेस जो इनको बड़े लेवल पे हो रहे हैं या इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो सूर्यदेव भी है ना यहाँ पर बैठ के ज्यादा हैप्पी नहीं रहते टॉरस में, ठीक है, वो अपने नक्षत्र से निकलते आगे
और उसके बाद वो हैप्पी नहीं होते कृतिका से निकलने के बाद। तो यहाँ पर ना अगर इनको लॉसेस हो रही थी या कोई इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स, ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्किन डिजीजेस, ज्यादा प्रॉब्लम रिलेटेड टू एसिडिटी स्टमक, या ये हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो, या हेल्थ इनकी ठीक ना हो, या इनको इनको गर्मी हो गई हो बॉडी में, तो ऐसे लोगों के लिए इट इज गोना बी अ कूलिंग फैक्टर, क्योंकि बुध देव आ जाएंगे आपके 12वें घर में सूर्य के साथ। सो वो ओवर पावर कर लेंगे इस टाइम पे, क्योंकि सूर्यदेव इज इन द ट्रांजिशन, वो 15 तारीख को निकल जाएंगे अपने तीसरे यानी बुध देव के घर में। यहाँ पर रोहित जी 12वें घर में बुध आने का मतलब भी ये नहीं कि बहुत अच्छा होगा, बट एक बात यह है कि लग्नेश अपने से 12वां आ गया, तो यहाँ पर ट्रैवल करवाएगा कहीं ना कहीं। यहाँ पर इनको शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, कहीं ना कहीं इनको धक्के खाने हैं, इनको जाना है, लंबी लाइन में खड़ा रहना है, बहुत देर वेट करना है, ऐसी कोई चीजें इनके साथ होगी। और ऐसी होती है तो आप जरूर आके हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मेरी रिसर्च या अगर थोड़ी सी भी कम है या मैं कहीं सुधार सकता हूँ, तो दैट विल बी अ मतलब मेरे लिए भी एक लर्निंग कर्व है ये। चौथे घर का मालिक जो है 12वें में जा रहा है, तो ये शो करता है यह घर से दूरी हो रही है। घर से दूरी, विदेश की यात्रा, जितने लोगों का वीजा नहीं लग रहा था वेरी गुड, जितने लोगों को पता ही नहीं था कि भाई मैंने पीआर अप्लाई किया, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, इस टाइम पे रिप्लाई आएगा। सो आपके लिए गुड न्यूज ही लेके आएगा आपका लग्नेश जब 12वें में जाएगा, लेकिन खर्चे जरूर करवाएगा। और वो जाहिर बात है, वीजा लग गया तो खर्चे होंगे, जो पेटियां आपने खरीदनी है, जिसके अंदर अपने सामान भरना है लेके जाने के लिए, वो तो पैसों से ही आएगा ना, सो खर्चे होंगे। अब रोहित जी 10th से 20th को देखेंगे तो सूर्यदेव चले जाएंगे जेमिनाई में, और मरकरी देव तो आ गए हैं अपने 12वें घर में। तो जेमिनाई में सूर्यदेव का आने का मतलब ये हुआ रोहित जी, कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्यदेव को तीसरा घर दिया है यानी कम्युनिकेशन का। तो इनके दिमाग में जितनी प्रॉब्लम्स या नेगेटिविटी चल रही थी, वो इस टाइम पर एकदम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, वो जो हार्ट की लाइन होती है ना, ऐसे वो स्ट्रेट बन जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट सोच पाएंगे इस टाइम पे। सूर्यदेव का हमेशा लगन में बैठना थोड़ा इगोइस्टिक बना देता है, और मान सम्मान भी बढ़ाता है आपका। सो मेक श्योर कि आप ईगो को साइड में रखें और मान सम्मान को एंजॉय करें, ठीक है? डोंट लेट ईगो कम ओवर योर हेड, आप अपना ईगो अपना शांत रखें। और रोहित जी इस टाइम पर जो सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, वो इनके 9th हाउस में होने वाला है। 9th हाउस में शनिदेव यानी शनिदेव वक्री यहाँ से मूव होने वाले। अब देखिए रोहित जी, इस पूरे कुंडली में बुध देव, ये कुंडली है इनकी बुध देव की, और बुध देव और शनि देव आपस में मित्र है, बहुत अच्छे मित्र है, दोनों का अंडरस्टैंडिंग है, दोनों की एनर्जीज भी मैच होती है, इसलिए बुध देव ने उनको 8th हाउस भी दिया है और 9th हाउस भी दिया है, यानी भाग्य का स्थान दिया है इनको शनिदेव को। अब शनिदेव जो भाग्य के मालिक है, वो जब वक्री हो जाएंगे यहाँ पर, तो वो जा रहे होंगे टुवर्ड्स द 8th हाउस, दैट मींस डीप ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम आ गया है। ये टाइम में आप स्पिरिचुअली इतना डीप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे ना, ये याद रखना कि ये वाला वक्री जो है ना, ये डेंजरस वाला वक्री नहीं है, ये अच्छा वाला वक्री है। यहाँ पर डेंजर के थोड़े फैक्ट आते हैं आपके कर्मों के हिसाब से, और या तो आप अगर 7.5 शनि की दशा, अंतरदशा और 7.5 भी चल रही है, और उसके ऊपर शनिदेव वक्री हो गए, यहाँ पर वो कहीं ना कहीं 9th हाउस के सारे कामों को एकदम धीरे कर सकते हैं। दैट मीन्स अगेन, अगर आप लोगों का विदेश यात्रा की बात आ गई, जिनकी शनि की 7.5, शनि की दशा, अंतरदशा चल रही है, और विदेश यात्रा की बात आ गई, तो ये स्लो हो जाएगी बात। आपको आएगा 100%, आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन आएगा फ्रॉम विदेश, बट इट विल बी जस्ट फॉर यू टू टेल यू दैट वेट, ये वाला कम्युनिकेशन आएगा। सो मेक श्योर कि आप हर चैट जो डिफरेंट है, राइट, हर जगह शनि देव की प्लेसमेंट डिफरेंट है, हर जगह उनके एस्पेक्ट डिफरेंट है। यहाँ पर उनको नेटल में जिन लोगों का शनि रिटर्न हुआ है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि वो ना वापस थोड़ा सा वो बैक 17 जून के वहां पर चले, 17 जैन के यहाँ पर चले जाएंगे, क्योंकि यार कुछ हो नहीं रहा है, आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है, यार क्या हो रहा है, बड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी चीजें। लेकिन ये टाइम पर शनिदेव क्योंकि 8वें घर में जा रहे हैं, जो सडन अप्स एंड डाउन्स, डीप ट्रांसफॉर्मेशन, अकल्ट साइंसेस, डीप नॉलेज या इनहेरिटेंस, ये सब चीजों से रिलेटेड चीजों में आपको वहां पर एक्सेलरेशन मिलेंगी, यानी आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ जाएगी, आपको इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके इस टाइम पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो भी घर उसका ही है। तो मतलब सडन अप्स भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और डाउन्स भी, इसीलिए आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। डिपेंड करता है लेकिन आपके एक्चुअल शनिदेव के प्लेसमेंट पे, ठीक है? डोंट गो ऑन दिस कि ये ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ होगा, बहुत सारे 140 फैक्टर है, लेकिन इसके ऊपर ये जनरल है, तो इस वे में सावधान होना थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है रोहित जी। नाउ जून 20 से 30 के बीच में रोहित जी बुध और आदित्य दोनों आ जाएंगे इनके पहले घर में, और या बुध आदित्य योग बनाकर एक बहुत अच्छा चीज कर देंगे रोहित जी की। देखो आपके अंदर तेज तो आई गई थी, अब आपके अंदर ऐसी
डिसीजन मेकिंग या मेंटल एबिलिटीज या पावर आ जाएगी ना इस टाइम पर, कि आप बोलेंगे वाह, मतलब सब बोलेंगे वाह कि क्या डिसीजन लिया इसने। सो अगर आप कोई हायर स्टेटस पे है, हायर पोजिशन पे है, या आप लोअर पोजिशन पे भी और डिसीजन लेना चाहते हैं टू चेंज योर जॉब, टू चेंज योर लाइन ऑफ करियर, टू चेंज यू नो सम थिंग्स अराउंड यू, आप पॉलिटिक्स में आप कहीं हैं, आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं, तो ये टाइम जब बुध देव जेमिनाई में एंटर होंगे तो ये बहुत अच्छा टाइम होगा। इस टाइम पे आपको गेन्स तो होना ही होना है, क्योंकि जेमिनाई एसेंडेंट वन ऑफ दोस एसेंडेंट्स है जिसमें राहु 11वें घर में बैठा है, और इस घर में राहु जब बैठता है तो वो सोशली भी नेम एंड फेम करता है और गेन्स भी देता है, तो आपको दोनों तरीके से फायदा होने वाला है। रोहित जी, तो जेमिनाई एसेंडेंट के लिए शनिदेव को छोड़ के बाकी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन शनिदेव का जो ट्रांजिट है ना, ये थोड़ा सा रेट्रोगेट पोजिशन ही थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि वो 8th हाउस की तरफ आ रहे हैं। सो बट विष्णु सहस्त्र नाम का जरूर पाठ करें, आपके लिए आपके इष्ट देव बनते हैं माँ लक्ष्मी, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ वीनस, बट ओवरऑल गणेश जी एंड माँ लक्ष्मी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आप गणेश जी की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी का मंत्र करें, गणेश जी का मंत्र करें, अपने आप को शुद्ध रखें, ज्यादा मीट मच्छी ना खाए, या ना ही खाए तो अच्छी बात है। सो आपके लिए ये वाला महीना बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल जाए। बहुत ब्यूटीफुल जाएगा, और मैंने तो पहले ही अपने एक मिथुन लगन वाले मित्र को विष्णु सहस्त्र नाम के साथ जुड़ने के लिए प्रेरणा दी, और वो जुड़े भी हैं, और आप लोग भी ऐसा ही करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम से जोड़े और खुद भी जुड़े और फिर रिजल्ट देखें, जैसा आकाश जी ने बोला है। और बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से, मैं हर बार करना नहीं भूलता हूँ, क्योंकि बहुत प्यार आप लोग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कमेंट्स के जरिए, सब्सक्राइब कर रहे हैं, धन्यवाद। और जो लोग इस वीडियो के लिए नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का हिस्सा बने, परिवार का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करने, और साथ में आप लाइव जो हम करते हैं उसका भी हिस्सा बन सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद। और जो लोग आकाश जी से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कहीं दोराहे पे खड़े हैं, फंस गए हैं, क्या डिसीजन लें, समझ नहीं आ रहा है, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, डिटेल्स भेजें, टीम देखेगी, आपको कॉन्टेक्ट करेगी, और आप वीडियो कंसल्टेशन आकाश जी से ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बारी है ये जानने की कि कर्क लगन वालों के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क लगन वालों के लिए जो इनके सुख का और गेन्स का मालिक है, वो आकर बैठ गया इनके लगन में, दैट मींस अपने परिश्रम से, अपनी तरीके से, अपने क्या बोलते हैं, अपने बल पर इनको बड़े गेन्स होने वाले हैं। ये एक इनके बहुत इंपॉर्टेंट वेरी गुड मंथ है यहाँ। सेकेंडली, इनको पार्टनरशिप से बड़े गेन्स होने वाले। थर्डली, इनको देखिए यहाँ पर ना बुध जिस जगह पे शुक्र आके बैठे हैं रोहित जी, यहाँ पर ही मंगल देवता इस टाइम पर नीच के हैं, जो इनके करियर के मालिक है, राइट रोहित जी, करियर के मालिक है, प्लस इनके क्रिएटिविटी के भी मालिक है, तो इनका माइंड ना भी फिलहाल एकदम बंद हो चुका है, लाइक एकदम शट ऑफ हो गया था, लेकिन शुक्रदेव का यहाँ पर आना और यहाँ पर आकर इस घर में बैठ जाना, ये सिग्निफाई करता है कि अब फिलहाल आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी या थोड़ी सी जो पावर एनहांसमेंट है ना, ये शुक्रदेव दे देंगे यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आपको दोनों जगह, यानी आपको गेन्स भी मिलेंगे और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। सो एक यह तरफ से सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके लगन में यहाँ के बैठ रहे हैं। ऊपर से मरकरी यानी बुध देव जब टॉरस में एंटर करेंगे, यानी 11वें घर में, रोहित जी वाह, इनके 10वें घर में बुध देव ने इनका काम बना दिया आके, मतलब इनको जो भी प्रॉब्लम थी जॉब से रिलेटेड या जॉब नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनिशिएट किया जॉब्स का इनको मिलना, और अब इनके लिए जो बुध देव करने वाले वो ये करने वाले कि इनके गेन्स वाले घर में जा रहे हैं, और गेन्स वाले घर में ये उधर ऑलरेडी कौन बैठे हैं रोहित जी, देखिए वहां पर सूर्यदेव बैठे जो ऑलरेडी सेकेंड हाउस के मालिक है, तो इनको गेन्स होना ही होना है इस टाइम पर। और जैसे ही टॉरस में ये जाएंगे, मर्करी इज वेरी कंफर्टेबल इन टॉरस, वेरी वेरी कंफर्टेबल, तो यहाँ पर वो इन्हें कोई ना कोई इनके एफर्ट, क्योंकि इनका योग ही ऐसा बन रहा है, इनका जो गेन्स का मालिक है वो लगन में बैठा है, और इनका जो कहते हैं ना जो फ्रेंड ऑफ वीनस है वो जाकर वीनस के घर में बैठ रहा है, तो इनकी बुद्धि से, इनके आत्मविश्वास से, इनके खुद के कोई एफर्ट से, इनके खुद के कोई इनिशिएटिव से इनको गेन्स होने वाले हैं। मुझे 10 तारीख से 20 तारीख का देखेंगे तो सूर्यदेव चले जाएंगे इनके 12वें घर में, यहाँ पर थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। ओके रोहित जी, 12वें घर में सूर्यदेव यानी सेकेंड हाउस के मालिक 12वें घर में जाके बैठ गए, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पैसों का लॉस, कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट, कहीं आप ऐसी जगह कर सकते हैं, हाँ जी, कहीं ना कहीं
हाँ, इन्वेस्ट ऐसे कर सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपना फिक्स्ड एसेट तोड़ना पड़े, कहीं आपको उसकी भरपाई करने के लिए फिक्स्ड एसेट तोड़ना पड़े। यहाँ पर एक और चीज है, हेल्थ रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको अपना फिक्स्ड एसेट या सेविंग्स में से पैसे निकालकर अपने हेल्थ पे खर्चा करना पड़े। तो शनिदेव भी 8वें घर में बैठे हैं और वो वक्री हो रहे हैं 17 जून से। अब शनिदेव का यहाँ पर वक्री होना, वो भी सडन अप्स एंड डाउन वाले घर में, ये थोड़ा सा सिग्निफाई करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का तो 100% करवाएंगे, पर आपके रिलेशनशिप्स में भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा स्लो कर देंगे रिलेशनशिप्स में। चीजें अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी, जैसे आप कोई चीज अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत स्लो एक्ट करेंगे, सामने वाला भी बड़ा स्लो करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा इट्स अ डिफिकल्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ 8th एंड 12th हाउस। 8th हाउस में शनि, राहु और केतु अच्छे रिजल्ट ही देते हैं, ये याद रखना है हमेशा। जितने भी दुष्टान हैं वहां पर शनि, राहु और केतु, ये तीनों अच्छे रिजल्ट ही देते हैं, लेकिन सूर्यदेव 12वें घर में जाकर अच्छे रिजल्ट नहीं देते। ठीक है, सूर्यदेव यहाँ पर आपको कोई ना कोई खर्चा आपके इसमें बढ़ने वाला है। अब देखिए यहाँ पर भगवान की लीला, गेम्स का बंदोबस्त करा दिया भगवान ने। रोहित जी 4 नंबर को अपने घर में बिठाकर, लगन में बिठाकर, यानी 4 नंबर में शुक्रदेव को बिठाकर और 11 नंबर में बुध को डालकर गेंस का इन्होंने बंदोबस्त कर दिया। अब इन्होंने खर्चे का भी बंदोबस्त कर दिया, तो भगवान ना सब जैसे सेट कर देते कि पहले ये तुम्हारे गेंस ले ले, खर्चे है ना। अब रोहित जी यहाँ पर देखो, जब 20 जून से 30 जून में जब बुध चले जाएंगे 12वें घर में, तब जाके इनका थोड़ा ना प्रॉब्लम, जो गेंस जो लॉसेस हो रहे हैं उसको कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि अपना ही स्वग्रह जाके वहां बैठ गया, वही ग्रह जिस जो इस 12वें घर का मालिक है वहां जाके बैठ गया। तो बोलेगा नहीं 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 रुको 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 रुको, लेट्स कम्युनिकेट इन अ बेटर वे ताकि हमें ये लॉसेस ना हो, हम इधर भी रोकते हैं इस लॉसेस को। क्यों? क्योंकि वो थर्ड हाउस का मालिक है। वो बोलेगा लेट्स कम्युनिकेट, आओ यार। तो सूर्य को बोलेगा क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है? सूर्य बोलेंगे कुछ नहीं भाई, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं सेकेंड हाउस का मालिक था, यहाँ पर मुझे लॉस देना ही था भैया, कि मेरा तो काम है। बुध बोलेगा नहीं नहीं रुको रुको, मैं थर्ड हाउस का मालिक हूँ, यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन हम चलो तो आपस में बात करके सॉल्व करते हैं, हम इसको लॉस नहीं देंगे। तो इस तरह से ना रोहित जी ये होने वाले। बट जो सबसे बड़ा मूवमेंट है वो सैटर्न का रेट्रोगेट होने का, जो 17 जून से हो जाएगा, जो आपके 7th हाउस की तरफ रेट्रोगेट होगा सतविषा नक्षत्र में। ये टाइम पे ट्रांस, ये लास्ट में मैंने ना बहुत अच्छा बताया कि सब लोग जो डरा रहे हैं ना कि सैटर्न ट्रांस ये हो जाए, ये कर देगा, वो कर देगा, तबाह हो जाएंगे आप, 8वें घर में आपके एक्सीडेंट हो जाएंगे, नहीं हो रहा है भाई। पूरी दुनिया में सैटर्न सबके, आप एक अकेले नहीं हो कैंसर एसेंडेंट वाले, 6 करोड़, 6-7-70 हजार, कितने करोड़ होंगे रोहित जी? मेरे ख्याल जो टोटल पॉपुलेशन है दुनिया में 700 करोड़ है, तो उसमें से आप डिवाइडेड बाय 12 कर दो तो मुझे लगता है 60-70 करोड़ तो होंगे। ज्यादा ही होंगे, 60-70-80 करोड़ लोग कैंसर एसिडेंट, इतने लोग ना हॉस्पिटल जा रहे हैं इतने लोग जाएंगे पागल हो जाएंगे वो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। इट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग सैटर्न। अगर आप किसी चीज को समझ लेते हो ना, आप समझ लेते हैं ना, जो लोग सांप स्नेक चार्मर नहीं होते रोहित जी, वो सांप को समझ लेते हैं कि सांप कब डसेगा, ठीक है, वो उस हिसाब से मूवमेंट करते हैं अपना, सांप भी वो हिसाब से मूवमेंट करते हैं। तो उसी तरह अगर आप ग्रह को समझ लो, उसकी इच्छाओं या उसके नीड्स को समझ लो, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगी। सो कर्क लगन वालों के लिए भी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा आपके लिए पॉजिटिव वाइब में भेज रहा हूँ यहाँ से। नेगेटिव वाइब को अपने मन से निकालिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएंगे, मिरेकल। आप बोलेंगे ये क्या हो गया, ये शनि तो वक्री था, ये कैसे हो गया? बस विष्णु सहस्त्र का पाठ तो करके देखे या सुन के तो देखे उसको, फिर लाइफ चेंज हो जाएगी। वाह, विष्णु सहस्त्र नाम को सुने भी और मुमकिन हो तो करे भी, जिंदगी बदलेगी। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी जिंदगी जरूर बदले, और उसकी चाबी है विष्णु सहस्त्र नाम। हमारी चाबी है मेहनत करने की, आपकी मोटिवेशन जो आप हमें देते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें करते हो, फीडबैक देते हो। बहुत सारे लोग लिखते हैं सर हिंदी में बनाइए, हिंदी में बनाइए। हमने भी कहा तो चलिए ठीक है, पहले इंग्लिश में नहीं, इस बार पहले हिंदी में ही बनाएंगे, हमारे परिवार ने कहा है। धन्यवाद आप सब लोगों का हमें मोटिवेट करने के लिए, और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल के लिए नए हैं, वीडियो के लिए नए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और जो लोग कंसल्टेशन चाहते हैं, आकाश जी से पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, बहुत बातें हैं मन में, तो आप मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, वीडियो कंसल्टेशन आपको मिल जाएगी आकाश जी से, बस अपनी डिटेल्स आपको सेंड करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, सिंह लगन वालों के लिए जून 2023 क्या खासम खास करने वाला है, आइए देखते हैं सिंह लगन वालों के लिए क्या भविष्यवाणी है आकाश जी की। जी सिंह लगन वालों के लिए देखिए ये सिचुएशन बनी हुई है। सबसे पहली बात, गुरु चंडाल योग बना हुआ है उनके 9th हाउस में,
ओके, धर्म वाले घर में तो सबसे इंपॉर्टेंट होना है धार्मिक बन जाओ। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान देने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट है शुक्रदेव। शुक्रदेव कर्क में चले जाएंगे 30 मई को, और कर्क इनके 12th हाउस है। 12th हाउस होता है लॉस का। यहाँ पर शुक्रदेव दो चीजों को रूल करते हैं, 3rd हाउस को, 10th हाउस को। तो देयर कैन बी लॉस दो जगह पर, रोहित जी। या तो लॉस हो सकेगा आपकी कोई कम्युनिकेशन से, आप कुछ उल्टा सीधा कुछ बकेंगे और उसके बाद आपको उसको झेलना पड़ेगा। और दूसरा हो सकता है आपके जॉब के थ्रू, ठीक है। जब सोचिए ना, जॉब में आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, आप बोले मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। सो मेक श्योर कि आपको इस टाइम पर 30th मई से एकदम शांति में, बोले कि बस कुछ नहीं, जून जुलाई आ जाए, बस मौन धारण कर। मौन धारण कर लो। जुलाई आना चाहिए, बस जुलाई आ जाए, जुलाई आ जाए, बस 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 बस। भगवान भगवान, विष्णु 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 विष्णु, ओम नमो विष्णु भगवते वासुदेवाय, बस। इसके अलावा आपको कोई गाली दे रहा है, कोई डांट रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सोचो कि आपको कोई नहीं डांट रहा है, ठीक है। आप अपने आप को उस टाइम पे बोलो कि मेरे अंदर का जो भगवान है, मेरे अंदर की जो परम आत्मा की परम है, परमात्मा, वो आ जाए। वो परमात्मा को बोल रहा था कि परमात्मा उसका ध्यान दे, आप उसका ध्यान मत दो, ठीक है। जी बिल्कुल भी इगोइस्टिक इस पे नहीं आना है, क्योंकि जब जी सूर्यदेव ना रोहित जी 10वें घर में बैठे होते हैं ना, ये ईगोइस्टिक हो जाती है। तुम हो कौन, मैं हूँ यार सब कुछ। 10वें घर में सूर्य है मेरे, मैं लग्नेश 10वें घर में बैठा है, तुम कौन होते कौन हो बोलने वाले। लेकिन दूसरे प्लैनेट्स का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस देखो कि किस तरह। तो ये आपको जून 1 से लेके जून 30, एक्चुअली जुलाई 6 तक कोई डिसीजन नहीं लेनी है, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन। जो आप उल्टा सीधा लिख सकते हो, गुस्सा आया ना, गुस्सा आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप बस अपने आप काटो अपने आप को, बट आपको कोई पंगा नहीं लेना। अब यहाँ पर रोहित जी बुध देव 7 जून को एंटर कर जाएंगे आपके 2nd हाउस में, यानी आपके करियर वाले घर में। यहाँ पर ये थोड़ा सा ना पावर दे देंगे करियर को, क्योंकि ये है ना बेस्ट फ्रेंड ऑफ कौन है रोहित जी, ये बेस्ट फ्रेंड ऑफ वीनस है। वीनस यहाँ पर ना खुद ही ऐसी पोजिशन पे है कि जब वीनस को थोड़ा पावर, अपने घर में ही पावर की जरूरत है, और वो पावर देंगे बुध। यहाँ पर आपका अब जाके दिमाग थोड़ा ठीक होगा कि हाँ भाई, मैं ना अभी कोई गलत डिसीजन नहीं लूंगा, मेरी ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने गलत किया, माफी भी मांगने के लिए रेडी रहिए इस टाइम पे। अगर कोई गलती होती है तो माफी मांगने के लिए रेडी, अपने करियर वाले स्थान पे या कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड माफी मांग लीजिए इस टाइम पे, बट ये थोड़ा सा आपको सुधार देगा। तो जी 10 जून से 20 जून के बीच में अब आ गया मजा, ठीक है। करियर आपका सॉर्टेड है। अब आपका 10 जून से 20 जून तक जो आपका लग्नेश है वो 11वें घर में चला गया, और जब लग्नेश 11वें घर में चला गया ना, तब समझ लो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा औहदा मिलने वाला है, या कोई कोई ना कोई आपको बड़ा कहीं ना कहीं मान सम्मान होने वाला है, सोशली आपको बहुत ज्यादा प्रेज करने वाला है कोई, एंड इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से आपको गेन्स भी मिलने वाले हैं। और इच्छाओं की पूर्ति भी होने वाली है, क्योंकि लग्नेश 11वें घर में चला गया इच्छाओं की पूर्ति के घर में। तो इच्छाओं की पूर्ति से भी ज्यादा, लग्नेश ना थोड़े दिन पहले बहुत एफ्लिक्टेड था राहु के साथ, नहीं वो राहु के साथ वो ना बड़ा परेशान होके ना फिर 10वें घर में गया, उसने कैसे कैसे पूरा करियर सॉर्ट आउट किया। वो 11वें घर में गया, बोला अभी ना थोड़ा मैं आराम करता हूँ, अब मेरे को चाहिए कि लोग मुझे प्रेज करें कि मैंने बहुत कुछ करके आया। तो लग्नेश यही बात। सो उसी तरह से लग्नेश यहाँ पर ना प्रेज के चक्कर में आपको कहीं ना कहीं अच्छी सोशली आपको बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस मिलेगा इस टाइम पे। लेकिन याद रखिए, ईगोइस्टिक नहीं बनना है। ये प्रॉब्लम है लियो एसेंडेंट वालों के लिए ना, ये ईगोइस्टिक होते हैं, क्योंकि राजा है ना, कौन है ये, इज द किंग। अब जब किंग, जो शेर आके आपके 11वें घर में बैठ गया, तो बोला अभी आप मेरे को सामने में दिखाता हूँ, तो ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद ये शेरपंती सारी निकलने वाली है, जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे 7वें घर में, ठीक है। 7वें घर में शनिदेव का वक्री होने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स में, आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स में, अगर आप कोई घर खरीद रहे या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, या आपके करियर में जो मान सम्मान आपको मिला है वहां पर, उसको वो ठेस पहुंचा सकता है। क्योंकि देखिए ध्यान से, 10th फ्रॉम द 10th आता है 7th हाउस। 10th होता है घर रोहित जी ऑफ कर्म, एंड 10th फ्रॉम द 10th, 7वां घर होता है घर ऑफ क्या बोलते हैं, रिकग्निशन, घर ऑफ फेम, घर ऑफ स्टेटस, अथॉरिटी, राइट। इसलिए बीवी के हाथ में सारी अथॉरिटी होती है कि नहीं होती है, 7वां घर होता है वो, होती है। हाँ, सच किसी किसी की बीवी के पति के पास भी होती है अथॉरिटी, पर हमारे है। में सारा सब डिफरेंट ही है, बट बीवी के पास ही है। तो यहाँ पर रही जी अथॉरिटी तो मिल जाएगी, लेकिन अथॉरिटी को संभालना अपने हाथ में है भाई,
आपको स्टेटस भी मिल जाएगा, प्रमोशन प्रमोशन जो मांग रहे थे ना वो मिल जाएगा, लेकिन उसको संभालना अपने हाथ में, अपने ही तरीके से। या वीनस अभी तक हटा नहीं है वहां पे, लॉस करा सकता है, तो लॉस के चक्कर में ना, ऐसा ना हो भगवान करे कोई लॉस ना हो जाए अपने। ये कभी कभी बहुत ऊपर उठ के अगले दिन आदमी नीचे गिर जाता है, तो ये भी हमें ध्यान देना। अडानी जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे रोहित जी 20 और 30 के टाइम पे एक और अच्छी बहुत बात हो जाएगी कि जो आपको धन मिल रहा था या जो आपको गेन्स मिल रहे थे वो अब और ज्यादा एनहांस हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं और अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाएगी करियर वाइज, या कहीं कोई यू नो बिजी रहेंगे आप बहुत इस टाइम पे, क्योंकि आप पैसा बना रहे होंगे, आप गिन रहे होंगे पैसे, या भाई ये आ गए इस तरह से आ गया, जॉब नहीं थी जॉब मिल गई, चलो अब सैलरी आने का टाइम आ गया, एंड ऑफ जून आ रहा है, ठीक है 24 जून को जब मरकरी एंटर हो जाएगा यहाँ पे 11वें घर में, तो ये योग बना देगा पैसे मिलने के, चलो पैसे आने वाले हैं। क्योंकि 11वें घर में ये देखो ना नेचुरल जो लियो लगन का जो असली प्लैनेट है वो है मरकरी, जो आपके 11वें और जब बैठेगा आपके सेकंड हाउस का मालिक बनके, तो जबरदस्त देगा, जबरदस्त लाभ देगा यहाँ पर बुध आदित्य योग बना। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा दो चीज कम्युनिकेशन बहुत ध्यान रखिए, कोई पंगे नहीं लेने किसी से, ठीक है कम्युनिकेशन और करियर का मालिक गया है 10वें घर में, इस बार शांत रहना, अपने आप को काटना है याद रखना। सेकेंडली जब भी आपको गुस्सा है बस उंगली काट लो अपनी जोर से, गुस्सा पी जा कोई बात नहीं सांस लो ठीक है, गुस्सा नहीं करना इस टाइम पे रोहित जी, फॉर लियो एसेंडेंट यही है। चलिए गुस्सा नहीं करना है आपको, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ खुद भी करना है और औरों को भी जोड़ना है ताकि सबकी जिंदगी में बदलाव आ सके। और हमारा ये बदलाव आया है कि हम अब एक 22,000 का बड़ा सा परिवार बन गए और जिम्मेदारियां बन गई है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस चैनल से जुड़े हैं, और जो चैनल के लिए नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि आपके जो दोस्त मित्र हैं रिश्तेदार हैं उनको भी पता लगे कि जून उनके लिए कैसा रहने वाला है। और जो चाहते हैं आकाश जी के ज्ञान का लाभ उठाना, हमें उनसे बातचीत करनी है, कुछ डिसीजंस लेने हैं, पर्सनल चार्ट रीडिंग करवानी है, तो आप मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे हैं, कभी भी आप डिटेल सेंड कीजिए, टीम कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको वीडियो कंसल्टेशन आकाश जी से मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम एक और ऐसे लगन की, कन्या लगन की, जो मई के महीने में थोड़ा ही बेशक परेशान रहे हो, लेकिन जून के महीने में उनके लिए क्या होने वाला है, क्योंकि बुध देव की मूवमेंट होगी, बुध आदित्य योग भी बनेगा। जी रोहित जी, वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए ये रहा उनका चार्ट आपके स्क्रीन पर, और शुक्रदेव सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रह है वो आपके आगे लाभ स्थान में, ठीक है यहाँ पर वो ज्यादा क्या कहते हैं ये याद रखिए कि ज्यादा भी जो एक्सेसिव आपके एस्पिरेशंस है ना कि इस तरह से हो जाए उस तरह से हो जाए, थोड़ा सा उसको कम लेवल पे लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर मंगल देवता नीच भी है इसी सेम घर में, और यहाँ पर देखिए कि बुध देवता का जो ये लगन है, जो जो उनके मालिक बुध देवता यानी मरकरी, ये रूल करते हैं यहाँ पर आपके फर्स्ट वाले इसको और आपके टेंथ हाउस को और फर्स्ट हाउस को रूल करते बुध देव, और जो शुक्र देव है वो रूल करते हैं यहाँ पर सेकंड हाउस को, मार्केश याद रखिए मार्केश भी है वो, और वो रूल करते आपके भाग्य को भी, यानी भाग्य बनाने वाला भी बिगाड़ने वाला भी दोनों शुक्र है, ठीक है। तो शुक्रदेव जब 11वें घर में आते हैं तो बहुत डबल रिजल्ट देते हैं, या तो बहुत खराब आपका गेन्स पूरा छीन लेते हैं आपसे, या गेन्स बहुत तरीके अच्छे से दे देते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट किस तरह से है, अगर वीनस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, यानी वीनस अगर यहाँ पर मूल त्रिकोण होकर बैठा है या वीनस भाग्य स्थान में बैठा है तो आपको बहुत धन मिलेगा, लेकिन अगर वीनस यहाँ पर समझ लो बैठ गया है आके 8th हाउस में तो आपको ये लॉसेस देगा। सो डबल डबल चीजें है इसमें, डिपेंड करता है आपके चार्ट में कहाँ पर है, अगर 6, 8, 12 में है तो आपको लॉसेस होने वाले, बाकी कहीं बैठा है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने वाला है। मरकरी जो है वो टॉरस में एंटर करेंगे, यानी बुध देव के घर में एंटर कर रहे हैं वो, जहाँ पे सूर्यदेव ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और वो एंटर कर रहे हैं 8वें घर से, यानी गुरु चंडाल योग से अपना पीछा छुड़ा कर वो भागे, और भाग कर अब जा रहे हैं 9th हाउस में, बोला कि चलो भाई इनको थोड़ी किस्मत इनकी अभी चमकानी है, क्योंकि बहुत तकलीफ देख ली इन्होंने, बहुत ज्यादा तकलीफ देख ली। शनि देव का 8वें घर में बैठना, यहाँ पर गुरु चंडाल योग का बन जाना, उन्होंने बोला बस हो गया भाई मैं चला, मेरे लगन को तुमने खराब कर दिया सबने मिलकर, अब वो चले गए 9th हाउस में, और 9th हाउस में जाके वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स देंगे, कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी शक्ति दे देंगे जिससे आपके रोग बने और रुके हुए सारे काम बनने लगेंगे। बोलते ना गुरु की शक्ति से बड़ा कोई नहीं है, गुरु की शक्ति आपके पास आ रही है इस टाइम,
तो यहाँ पर जब बुध देव की शक्ति आपके पास आ जाएगी तो उससे बड़ा कोई नहीं। और सूर्य और बुध की जब भी युति होती है सो ये कहा जाता है कि बहुत अति शुभ होता है, और इस घर में इन दोनों की युति होना शुभ ही माना जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव रोहित जी 12वें घर के मालिक हैं। अकेले बैठकर वो भाग्य में भी कहीं कहीं लॉस करा सकते हैं, लेकिन बुध देव के आने के बाद वो ये सब चीजों से बाहर रहेंगे। लेकिन रोहित जी 10 जून से तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव चले गए इनके 10th हाउस में। अब 10th हाउस में सूर्यदेव का जाना यानी आपको करियर में ग्रोथ देना, आपको करियर में तेज देना, आपको कहीं ना कहीं से कोई अथॉरिटी देनी, या कहीं ना कहीं से आपका मान सम्मान बढ़ना आपके करियर प्लेस में, या आपके बिजनेस में, या नए बिजनेस स्टार्ट करना, या जो लोग को जॉब नहीं मिल रही उन लोग को कहीं से एक होप दिख जाने की जॉब मिल जाएगी अभी। तो ये टाइम पर रोहित जी इनको करियर में यानी कर्म में काफी ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस है, लेकिन आपको इस टाइम पे थोड़ा सा बिहेवियर अपना एक्स्ट्रोवर्ट रखना पड़ेगा, यानी लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़े ही टाइम बाद जो आपका मालिक है क्रिएट, जो आपका 6वें घर का मालिक है वो है शनिदेव, शनिदेव हो रहे वक्री, और वो 6वें घर में यानी रोग ऋण शत्रु, शत्रुओं के घर में, रोगों के घर में, आपके नॉर्मल वर्क प्लेस में, ये सब जगह पे वो हो रहे वक्री, तो कहीं ना कहीं आपके कलीग्स के साथ वाद विवाद होने की वजह से आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि सन वो देख लीजिए रोहित, सन 12वें घर के मालिक भी है, भले 10th हाउस में बैठे हैं लेकिन ये लॉस करा सकते हैं कहीं ना कहीं रोहित जी, बिकॉज सैटर्न की रेट्रोगेट पोजिशन हो जाएगी यहाँ पर। सो आपको 5th यानी आपको बच्चों की वजह से भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। क्रिएटिविटी, स्टार्टअप्स, आपने कोई स्टार्टअप किया हो बहुत स्लो हो जाए अचानक से, बोले अरे कुछ हो नहीं रहा है, सो ये भी होने के चांसेस है। शनिदेव यहाँ पर आपको सारे एस्ट्रोलॉजर डरा रहे हैं, ये कर देगा एक्सीडेंट, ये कर देगा विमान, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, 90 लाख या 90 करोड़ लोगों को एक साथ कुछ नहीं करेगा, है ना, सब कितने लोगों का वर्गो एक्सीडेंट होगा, आपको कुछ नहीं करने वाला है। हाँ बट ये बात है कि हमें कोई भी गलत यानी कोई गलत इल्जाम लगाने से बचना है, और गलत इल्जाम लगने से भी बचना है, ये दो चीज है, क्योंकि 6th हाउस इल्जामों का भी घर है जहां से इल्जाम लगते हैं, इसीलिए तो ये कोर्ट लेके जाता है आपको 6th हाउस कि मुलजिम पर ये इल्जाम है उसने ऐसा किया है, तो इल्जाम लगने के घर घर है, तो इल्जामों से बचे, और इस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, क्योंकि वही आपको बचा सकता है इस टाइम पर। अगर आपकी कोई शनि की दशा, अंतरदशा या 7.5 तीनों साथ में चल रही हो देन इट इज डिफिकल्ट पीरियड फॉर यू, बट यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई वाला स्टार है, ये डिफिकल्ट पीरियड सिर्फ उन लोगों के लिए हुई जी जो लोग ने कोई खराब कर्म किए हैं, राइट, जैसे मुझे याद है मैंने थोड़े बहुत खराब कर्म किए हैं, हाँ याद है, सबने किए, क्यों नहीं किए, किए मैंने कभी कभी गुस्से में आकर या जानबूझकर या अपने दिल से किसी को ना ऐसे ये किया है कि कर्ज भी दिया है कि इसके साथ चला ऐसा हो जाए, आ जाते हैं कभी, इंसान है ना, इंसान इज नॉट परफेक्ट, और उस बात को मान लेना कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया है, मैंने कर्ज दिया है इसको, कभी रियलाइज होता करना उस चीज है हाँ ये साला बर्बाद हो जाए यार, ये परेशान कर करके ये दुखी हो जाए, इसका बर्बाद हो जाए, ऐसे सोचते हैं हम, क्यों नहीं सोचते, हर को, बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो सोचता है, ये उसने एक ना एक बार ये सोचा हो, बट बोलते ना पाप करने में प्रॉब्लम नहीं है, पाप को रियलाइज करने में बड़प्पन है, जिस दिन हमने रियलाइज कर लिया कि नहीं यार मैंने गलत काम किया था, आप अगर उस बंदे से माफी नहीं मांग सकते अब, तो आप ईश्वर से माफी मांगिए कि ईश्वर जो भी मैंने कहा था वो वापस लेता हूँ मैं, मतलब आई होप कि आप मुझे माफ कर दे, इसलिए आपको कर्म के तो फल भोगने ही है, कहीं नहीं जाने वाले, शनिदेव का कहीं काम ही कर्म का फल देना, शनिदेव बिल्कुल खराब नहीं होते, खराब हम होते हैं जो हम शनिदेव को खराब बोलते हैं, ओ शनि ने मेरे को बर्बाद कर दिया, सही बात, क्यों बर्बाद, शनि का क्या लेना देना है पर्सनली तेरे से, कौन है तू, हु आर यू, शनिदेव इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन बर्बाद करो, उसका काम है भाई कि मेरा काम है तुम यहाँ पे आओगे मैं यहाँ ठप्पा लगाऊंगा, तो बस शनिदेव का वो काम है, सो शनिदेव किसी को बर्बाद नहीं करता। मूविंग फॉरवर्ड रोहित जी, मरकरी यानी बुध देव चले जाएंगे आपके 10वें घर में, यहाँ पर आपको जॉब मिल गई थी, आपको प्रमोशन मिल गई थी, आपको स्टेटस बढ़ गया था, सब कुछ हो गया था, पर इसके साथ साथ आपको रिकग्निशन या आपको प्रेज भी मिलनी शुरू हो जाएगी कि ये ना भाई बहुत इंटेलिजेंट बंदा ले लिया हमने, हायर कर लिया यार, यार अच्छा किया तुझे प्रमोट कर दिया, दाव सी हाउ यू आर परफॉर्मिंग नाउ, कितना अच्छे हो गए प्रमोशन के बाद, तो यहाँ पर आपको आपको कहीं ना कहीं वो मान सम्मान में और ज्यादा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन पावर इतनी सुपर हो जाएगी इस टाइम पे कि यू विल बी एबल टू कॉन्कर एवरीवन, सब लोगों को मतलब खा जाओगे आप, आजू बाजू वाले लोग आपसे जेलस हो जाएंगे कि ये कौन है भाई 2 दिन वाली प्रमोशन करके ये ऐसे काम कर रहा है, सो मेक श्योर कि ये ईगो पे ना आए, बस
अपने बच्चा काम करो, सब कुछ करो, ईगो पे मत लाओ। दैट्स इट, यही वर्गो वालों के लिए है। तो जी आगे मूव कर सकते। कन्या लग्न वालों के लिए भी बड़े विस्तार में आपने बताया, और विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में भी कहा, जरूर आप लोग करें। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, एसी एस्ट्रो के साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और हिस्सा बने एसी एस्ट्रो परिवार का, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि और ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। और अगर आप आकाश जी के ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनसे पर्सनल कंसल्टेशन लें, घर बैठे बैठे आपकी बातचीत हो जाए, तो आप मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अपनी डिटेल सेंड कर दें, टीम कांटेक्ट करेगी, वीडियो कंसल्टेशन आप आकाश जी से पा लें। आगे बढ़ते हैं, अब तुला लग्न वालों की बात करेंगे कि तुला लग्न वालों के लिए जून 2023 का महीना किस मायने में खास रहने वाला है, क्या उनके लिए लाने वाला है, आइए देखते हैं। लाइब्रा एसेंडेंट यानी तुला लगन वालों के लिए इस समय ओके ओके ही है। एक चीज बहुत अच्छी है कि इनके 7th हाउस से मरकरी निकल कर अब 8th हाउस में जाएंगे, और उससे भी नंबर वन अच्छी बात यह है कि जो शुक्र देव है वो इनके लग्नेश है, और इनके अब करियर वाले घर में जाएंगे, यहाँ पर करियर एनहेंस करते हैं। ठीक है जी। देखो कोई कोई ऐसे लगन है जिन्होंने इतनी हिम्मत रखी है, जैसे शुक्रदेव ने इतनी हिम्मत रखी है कि 8वां घर ना मैं अपने लिए ले लूं, ले लेता हूँ, है ना, कि कोई भी ऊपर नीचे होगा तो मैं संभाल लूंगा। तो शुक्रदेव इज वेरी पावरफुल, और यहाँ पर 10th हाउस में आने का मतलब भी यही हुआ रोहित जी, कि कहीं ना कहीं करियर में ये ग्रोथ देंगे इस टाइम पर शुक्रदेव, क्योंकि ये ना अपने ऊपर लेने के लिए सबसे सक्षम होते हैं। मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, आओ आने दो, ब्रिंग इट ऑन। कलयुग में शुक्रदेव इज सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रह है, बिकॉज रोहित जी यही वो ग्रह है जो आपको कलयुग में लग्जरी दे सकता है। शुक्र प्लस राहु इज एक्स्ट्रा लग्जरी। शुक्र का एस्पेक्ट राहु पे होना भी लग्जरी है, राहु के साथ होना भी लग्जरी है, राहु के नक्षत्र में शुक्रदेव का होना भी लग्जरी है, और राहु का शुक्रदेव में होना भी लग्जरी है। सो ऐसी कोई भी कॉम्बिनेशन आपके इसमें बन रही, तो आप समझ लो कि देर सवेर आपके अंदर लाइफ में पैसा या लग्जरी आने वाली है। डिपेंड करता है वो टाइम कब एक्टिवेट होता है। अंडा आ गया, मुर्गी बैठेगी, दूसरे अंडे में से चूजा निकलेगा, राइट, टाइम लगेगा ना, ऐसे नहीं कि अंडा आ गया चूजा निकल गया। तो उसका चीज का प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उसी तरह प्लैनेट्स का भी मैच्योर होने का प्रेगनेंसी पीरियड होता है, वो टाइम पे जाके वो बच्चा डिलीवर करते हैं जो अपने लिए फ्रूट्स होते हैं। जी यहाँ पर शुक्रदेव कर्क में चले गए, और वो 30 मई को जाके यहाँ पर इनको लाभ दे देंगे इन टर्म्स ऑफ देयर करियर। बुध देव यहाँ पर चले जाएंगे टॉरस में, ठीक है, यानी 2nd हाउस में ये जाएंगे शुक्र के घर में, और शुक्र के बहुत अच्छे फ्रेंड है यहाँ पर। ये यह आपको कोई ना कोई ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे, या कोई ना कोई ऐसी चीजों से पर्दा उठाएंगे, या कहीं ना कहीं ऐसी कम्युनिकेशन या ऐसी चीज आपके सामने आ जाएगी जो आप बोलोगे यार ये मैंने कभी सोचा क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए हिडन जेम था। हिडन जेम क्या कहते हैं ये वर्ड, हिडन जेम मरकरी, ये मैंने आपके लिए हिडन जेम है जो आपके 8वें घर में जाके आपको हिडन चीजों से पर्दा सामने सामने ले आएगी। सूर्य देव का वहां रहने से इतना प्रकाश है उस घर में कि वो टाइम पे मतलब आपकी सारी हिडन चीजों पे प्रकाश आ जाएगा, आपको सारी चीज ध्यान से दिखने लगेगी, आप बोलोगे ये सब चीज तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन ये सब चीजें है। तो जी जून 10 से लेके जून 20 तक सूर्य देव चले जाएंगे भाग्यस्थान में। अब भाग्यस्थान में सूर्य देव का जाना वेरी गुड, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक भाग्यस्थान में आके बैठ गया भाई। थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ी अपने से थर्ड तीसरा घर है, 1 2 3 3rd हाउस मेहनत का घर होता है, थोड़ी सी मेहनत कर लो आपका भाग्य चमक जाएगा। ये राइटिंग में ले लो, थोड़ी सी मेहनत, लाइक आलसपन नहीं करके थोड़ी सी बोला नहीं 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 मैं करके रहूंगा यार, मेहनत देखना आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो जाएंगे। उसका रीजन है क्योंकि बुध देव देखो अनएक्सपेक्टेडली बैठे हैं आपके 8th हाउस में। स्पिरिचुअलिटी इस टाइम पे गुरु स्पिरिचुअलिटी ये सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों हाउस यानी 8 और 9 दोनों स्पिरिचुअलिटी का घर है। सो मेक श्योर कि इस टाइम पे प्रेयर्स जोर जोर से करें, जोर जोर से भगवान को बोली दे भाई मुझे दे सुख, दे शांति, दे पैसा तो तू देगा ही देगा लेकिन सुख शांति और हेल्थ दे मुझे। सो ये मांगो। ये सब होते होते रोहित जी यहाँ पर शनिदेव 17 जून को हो जाएंगे रेट्रोगेट। अब शनिदेव जब रेट्रोगेट हो जाएंगे रोहित जी, तो ये जा रहे होंगे टुवर्ड्स बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द 4th हाउस, और कहीं ना कहीं यू नो क्रिएटिविटी में थोड़ी सी डिलेज आना शुरू हो जाए। चाइल्ड को भेजने वाले थे फॉरन डिले आ गया, यू नो कोई स्टार्टअप करने वाले थे डिले आ गया। सो ये डिले ही करवाएगा, डिस्ट्रॉय कुछ नहीं करेगा।
ओके, देर इज ओनली डिले, देर इज नो डिस्ट्रक्शन. अच्छी बात है डिले होना, आपको और टाइम मिल जाएगा टू गेट स्पिरिचुअली थिंक अबाउट इट, इमोशनली थिंक अबाउट इट, फाइनेंशियली थिंक अबाउट वॉट एवर सपोज टू एक्शन यू आर सपोज टू बी टेकिंग फ्रॉम द फिफ्थ हाउस. सो कोई प्रॉब्लम नहीं शनिदेव बकरी, और इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सारे 12 लगन वालों के लिए कि शनिदेव अलग अलग बनाऊंगा. शनिदेव सत्विशा में वक्री हो रहे, शनिदेव वक्रियों की दृष्टि कहाँ कहाँ डालेंगे, शनिदेव सब लगन के लिए क्या क्या रिजल्ट देंगे, ये मैं बनाऊंगा राइट नाउ. इसमें आपको इतना बता दूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है. शनिदेव खाली डीले करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते. और जब वो देते हैं शनिदेव, वो पक्के 100% हमेशा के लिए देते हैं. वो राहु की तरह नहीं कि दिए कि कल सुबह ले लिया, वो लंबे टाइम के लिए देते. यहाँ पर बुद्धदेव रोहित जी जेमिनाई में चले जाएंगे 24 जून को, यानी बुद्धदेव चले गए अब नौवे घर में, और अपने ही घर में इन्होंने बना लिया बुद्ध आदित्य योग सूर्यदेव के साथ. यहाँ पर अगेन सेज दैट डेस्टिनी आपकी राइज होगी, विदेश यात्रा करेंगे, यात्रा लंबी होगी, कहीं ना कहीं आप जाएंगे, आपका वीजा अटका था आ जाएगा, आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी, आप जॉब के लिए बाहर जाएंगे, आप कोई ना कोई तरीके के लिए बाहर जाएंगे, आप पिलग्रिमेज जाएंगे, आप कहीं कोई यात्रा पे जाएंगे जब भगवान के यहाँ पर, तो आपके लिए बहुत, आपको कोई आश्रम में जाएंगे. So, ये टाइम आपके लिए इट्स अ वेरी फेवरेबल टाइम. शनि से डरने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो और आपके लिए कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा. कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, इतने कॉन्फिडेंस इन्होंने कहा, क्योंकि विष्णु भगवान अगर आपके साथ खड़े हैं तो कौन बाल बांका कर पाएगा. विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें औरों को भी साथ में जोड़े, और जोड़े हमारे चैनल के साथ भी, क्योंकि आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में हर रोज सब्सक्राइब कर रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं एसीएसटो का. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. और हिस्सा बने, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं और आपको लगता है मैंने तो सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर दे फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि हम लाइव भी जाते हैं, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं. और जो लोग कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के कगार पे हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने वाले थे, कहीं एडमिशन की बात है, कहीं विदेश यात्रा की बात है, वीजा फंसा है, या कोई बर्थ चार्ट आपने मैच करवाना है फॉर यू नो मैरिज पर्पस, तो आप acsto@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे, उस पे आप अपनी डिटेल सेंड करें, पर्सनल कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन आकाश जी के साथ आप पा जाएंगे. अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए जून का महीना कितना दमदार रहने वाला है. जरूर दमदार रहेगा रोहित जी वृश्चिक लगन वालों के लिए. खाली एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इनका जो लगन का ओनर है वो अब फिलहाल नीच बैठा हुआ है इनके भाग्य स्थान में, उनका भाग्य साथ ही नहीं दे रहा था. लेकिन राइट नाउ थोड़ी सी ऐसी गुड न्यूज बोले तो इनको, इनके लिए शुक्रदेव यहाँ पर आ गए, और शुक्रदेव इतना खराब नहीं करते इस घर में, वो उनकी नहीं बनती चंद्र से ज्यादा, बट वो खराब नहीं करते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि चंद्रदेव जब उनके घर में आते हैं तो वो उचके हो जाते हैं, तो वो इतना खराब नहीं करते. यानी शुक्रदेव यहाँ पर जो आपके भाग्यस्थान में आएंगे, तो अगर आपकी किस्मत पे रुकी हुई चीजें हैं तो वो सामने चलने लगेगी. लेकिन इससे ज्यादा अच्छा चीज जो होने वाला है रोहित जी, वो होगा इनके लिए जब बुधदेव इनके आ जाएंगे टॉरस में, यानी शुक्रदेव के घर में, और वो आएंगे 7 जून को. यहाँ पर रोहित जी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सम गुड गेन्स इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप्स, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, शादी, शादी की जिन लोगों की बातें चल रही थी, शादी जिन लोग करना चाहते थे, जिन लोग कोई पार्टनरशिप के अंदर घुसना चाहते थे, जो लोग बहुत देर से चाह रहे थे क्योंकि उनको कोई अथॉरिटी मिले, यहाँ पर अथॉरिटी. अब ये अथॉरिटी का घर कैसे हुआ रोहित जी, दसवां घर जो है ना उसका मालिक जब सेवेंथ हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं प्रमोशन करवा देता है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ईगो की वजह से प्रॉब्लम भी दिलाता है रोहित जी, ईगो, क्योंकि सूर्य भगवान थोड़े से ईगोइस्टिक है, उनको थोड़ा तेज का अपना थोड़ा सा वो घमंड है, राजा है ना, राजा है, राजा को थोड़ा ईगो होना चाहिए वरना प्रजा पागल कर देगी. सो यहाँ पर बुध के आने की वजह से यहाँ पर स्टेटस मिलने के अच्छे चांसेस बन जाएंगे, गेन्स मिलने के अच्छे चांसेस. अचानक से आप बोलेंगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे ये लोग ने क्यों फैसिलिटेट कर दिया, क्यों मुझे अवार्ड दे दिया हाथ में, या बोलेंगे अरे वाह ये ऐसे कैसे हो गया. तो ये स्टेटस देता है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ऐसे लाइट में चमका देता है. यहाँ से रोहित जी 10 जून और 20 जून की बात करें तो सूर्यदेव चले जाएंगे यहाँ से जेमिनी में, यानी आठवें घर में. थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है रोहित जी, क्योंकि देखो पांच, जब दसवें घर का मालिक आठवें घर में चला गया तो इसका एक ना छोटा सा रिलेशनशिप ये है कि आपको इस टाइम पे मान सम्मान मिल गया, सब कुछ हो गया, अब आप थोड़े यू नो थोड़े और ज्यादा सीक्रेटिव और ज्यादा चमचे बन गए अपने बॉसेस के. सो ये ना आपको लॉस करा सकता है, आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स में लॉस करा सकता है. सो मेक श्योर कि आप इस तरह की कोई हरकत ना करें. रोहित जी यहाँ पर सूर्य
सूर्यदेव का ये 8वें घर में जाना एक और थोड़ी सी अच्छी बात बताता है किन लोगों के लिए, किसी किसी जॉब से उनको पढ़ाई के लिए भी ऑफर कर सकते हैं कि ना अभी तो आप अच्छा कर रहे हो, यू नो यू नीड टू डू दिस कोर्स नाउ, आप बोलो हो यार ये कोर्स करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बट ओके आप थोड़ा नॉलेज लीजिए, हिडन नॉलेज लीजिए और वो आपकी तरक्की में ही काम देगी। शनिदेव रोहित जी यहाँ पर रेट्रोगेट मूव करना शुरू कर देंगे 17 जून से, और ये चौथे घर में रेट्रोगेट होंगे तीसरे घर की तरफ जाते हुए, सो चौथे घर के हर चीज से को स्लो कर देंगे। अगर आप घर ले रहे थे तो इस टाइम पे यू हैव टू स्टॉप एंड थिंक अगेन, क्या आप सही डिसीजन ले रहे थे? आप अगर कोई भी चीज कर रहे थे इन रिलेटेड टू वाहन लेने के लिए, या अपनी मदर का कोई सर्जरी ऑपरेशन कुछ कराना चाहते थे और जो बहुत नेसेसरी नहीं है, तो यू हैव टू बी केयरफुल नाउ कि नहीं रुको रुको रुको, क्या बिल्कुल करना चाहिए अभी, नहीं करना चाहिए, यू हैव टू टेक 10 टाइम्स डिसीजन सोच समझ के। यहाँ पर अगर आप कोई बहुत अपने जॉब से रिलेटेड कोई चीज कर रहे थे कि जॉब छोड़ देता हूँ यार कुछ नहीं, अगेन वेट, क्योंकि शनिदेव क्या करते हैं ये ना डिले कर देते हैं चीजों को, ये ना डिनाई नहीं करते, देर इज डिले देर इज नॉट डिनाई। तो रोहित जी यहाँ पर जिन लोग जॉब ऑफर के लिए वेट करे, आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, क्या हो गया, नहीं आने वाला है, वेट करो भाई 1-1.5 महीना वेट करो, शनिदेव को ना पावर में आने दो अपने, वो ना आपको दे देंगे, लेकिन डिले करते हैं शनिदेव, शनिदेव इज डीलेइंग थिंग्स, वो खाली ये देखते कि अपने पेशेंस कितना है, दे तो मैं तेरे को दूंगा, पेशेंस देखते कितना, सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट। बाकी कोई डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं हो रहा ना, आपके एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, आपका घर बिक रहा है ना, आप रोड पे आ रहे हो, जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं, सबके अपने अपने विश्लेषण है, सभी ज्ञानी है, लेकिन आई होप कि पॉजिटिविटी देने से आपका ज्ञान बढ़ता है, नेगेटिविटी देने से आपके कर्म खराब होते हैं, बस यही मैं कहता हूँ। जून 20th से लेकर 30th के बीच में रोहित जी बुध देव आ जाएंगे कंट्रोल लेने अपने घर में, 8वें घर में, और सूर्यदेव से बात करेंगे, देखिए सूर्यदेव माफ कर दीजिए अगर कोई गलती हुई, भूल चुक हुई तो माफ करिए, लेकिन हम कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते, आप अगर कोई हम यू नो इगोइस्टिक या कोई ऐसी बात या कोई ऐसे हिडन सीक्रेट्स की वजह से हम दूसरों के साथ गलत बिहेव कर रहे थे तो हम माफी मांगते हैं, और बुधदेव यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेंगे इन टर्म्स ऑफ, अगर आपके कोई कोर्स है जो आप नहीं कर पा रहे थे, या कोई हिडन चीज है या कोई हिडन रिसर्च है जो आपको दी गई थी जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप पूरा कर लोगे और उसके बाद यू विल ऑटोमेटिकली गेट प्रेस फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि 8वें घर में सूर्यदेव और मरकरी दोनों आ गए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं कर सकते क्योंकि संस्कृत बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर सुना भी जा सकता है, तो सुनने से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। आई होप कि आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल ट्रांजिट हुई जी रोहित। ब्यूटीफुल ट्रांजिट तो रहे, लेकिन ब्यूटीफुल बात जी और जो आकाश जी ने बोली है, ये बोली है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम के साथ जुड़ना है, क्योंकि उनकी ये कोशिश है कि हाँ ठीक है एस्ट्रोलॉजी अपने तौर पे काम करती है, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम के साथ आप जरूर जुड़िएगा, और जुड़िएगा हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आप लोग जो हमें प्यार दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए आप नीचे डिटेल्स हैं, वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बात अब करते हैं धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये जून का महीना। जी रोहित जी धनु लगन वालों के लिए भी ये बहुत वंडरफुल रहने वाला है जून का महीना, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो लगन का मालिक है वो है बृहस्पति, वो अपने से 5वें बैठे, और अपने से 5वें जब भी कोई प्लेनेट बैठता है तो वो समझो भाग्य ही चमकाता है। ये टाइम पे जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे उनको कंसीव का न्यूज आ जाएगा, आ गया है, मुझे कॉल भी आ गया है काफी लोगों का कि कंसीव हो गया सर, कंसीव हो गया सर, कंसीव हो गया सर। नाउ अब इसे क्या बोलते हैं ना, क्रिएट हो चुका है, अब इसे प्रिजर्व करना है, और प्रिजर्व कौन करता है हमें रोहित जी, ब्रह्मा के बाद कौन आता है, विष्णु। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ही करना है प्रिजर्व करने के लिए। नाउ कमिंग टू द ट्रांजिट, यहाँ पे वीनस जो है 30 मई को ही आपके 8वें घर में आ जाएगा, 8वें घर में आके आपको कोई ना कोई रिसर्च दे देगा, लेकिन एक चीज का ध्यान दे, रिसर्च का काम करा देगा, लेकिन एक चीज का ध्यान करिए कि ना ये हेल्थ के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको ना यूटी यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दे देगा, या इन्फेक्शन रिलेटेड टू योर प्राइवेट ऑर्गन्स, यहाँ पर ना पाइल्स, यूटीआई, या यू नो कोई एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सब देने के सक्षम रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस भी दिलाता है, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से इस घर में बैठकर इस टाइम पर राजयोग बना रहा है, क्योंकि 6th हाउस का मालिक जब 8th हाउस में आ गया तो ये विपरीत राजयोग बना देता है, तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम तो वो सेकेंडरी हो गई, पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट कराएगा आपको इन टर्म्स ऑफ गेन्स दे देगा, आपको कोई ऐसी चीज होती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अरे ये तो मैंने इन्वेस्ट किया था 5,000 थे, ये 50 बन गए, अच्छा अच्छा वेरी गुड, तो इस तरह का गेन्स दे देगा, क्योंकि ये आपके 11वें घर का भी मालिक है। बुधदेव यहाँ पर टॉरस में यानी 6वें घर में आ जाएंगे, और 6वें घर में आने के बाद वो आ जाएंगे इनके घर में जहां पर सूर्यदेव ऑलरेडी बैठे और आपको कहीं ना थोड़ा एग्रेसिव बना चुके हैं, आप कहीं ना कहीं हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आप
गुस्सा आपको बढ़ गया है आपका, ये बुद्धदेव आके आपको थोड़ी सद्बुद्धि देंगे इस टाइम पे कि नहीं नहीं हमें गुस्सा नहीं करना है, कोई भी चीज रिलेटेड टू कोई भी चीज रिलेटेड टू हम कर रहे जो बोलते हैं ना कोर्ट केसेस या प्रॉब्लम्स या हेल्थ, ये सब चीजों से आपको ठीक करेंगे। और उसी के साथ साथ रोहित जी सूर्यदेव 10 और 20 के बीच में यानी 15 तारीख को ये चले जाएंगे इनटू द 7th हाउस, और 7th हाउस में जाने के बाद ये आपको कहीं ना कहीं आई ये मेरा सूर्य भी आ गया। हाँ जी 5 मिनट्स बाय ओके Where's my tiger page? आई विल कम गो। Where is मेरा सूर्य आ गया, मेरा बुध, मेरा yeah. सब, मेरे 9 ग्रह आ गए थे। ठीक है वो भी देखती है पापा पूरा टाइम ये क्या करते रहते हैं। टॉकिंग टू मी एनीवे सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। यहाँ पर सूर्यदेव जब आपके 7th हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ पर सूर्यदेव आपको आपके रिलेशनशिप्स में कई हीटेड आर्ग्यूमेंट्स ये सब की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन वाइज आप बोलना कुछ और चाहेंगे बट थोड़ा गुस्से से बोल देंगे, तो यहाँ पर इट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम इन योर बिजनेस पार्टनर्स, विद इन योर स्पाउसेस, विद इन योर नेबर्स, विद इन योर सोसाइटी, विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, सो यू हैव टू बी केयरफुल। बट असली जो कहानी है ना वो शुरू होगी जब शनिदेव मूव करना शुरू करेंगे। अब रोहित जी शनिदेव ने मूव करना शुरू किया कहाँ पर देखिए। हाँ एक और बात है रोहित जी, अब एक और अच्छी बात ये कि जो सूर्यदेव है ना वो अपने से 11वें आके बैठ गए हैं, तो यानी गेन्स फ्रॉम पार्टनरशिप भी दिला सकते हैं इस टाइम। आप गुस्सा तो हो जाएंगे पर गेन्स फ्रॉम पार्टनरशिप, गेन्स फ्रॉम बिजनेस भी दिला सकते हैं। शनिदेव तीसरे घर में हो गए वक्री, और तीसरे घर में वक्री होने का मतलब ये है कि वो जा रहे हैं 2nd हाउस की तरफ, आपके धन कुटुंब वाणी की तरफ, लेकिन तीसरे घर में ही है अभी, काफी अंदर है वो तीसरे घर में। तो जी यहाँ पर ना हमें ध्यान रखना है कि अपने कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन और जितने भी हम पैंतरे अपनाते हैं या जितने भी हम ट्रिक्स खेलते हैं उससे बच जाए इस टाइम पे, कोई पंगे नहीं लेने हैं हमें। हम अपने नेबर्स में, अपने भाई बहनों के साथ कोई ट्रिक्स ना करें, सब कुछ नॉर्मल लेजिटिमेट वे में करें, क्योंकि यहीं कहीं ना कहीं शनि प्रॉब्लम दे सकते हैं। जो लोग ट्रैवल के लिए वेट करें, जो लोग वीजा के लिए वेट करें, अब और डिले हो जाएगा आपका वीजा, आपका ट्रैवल का टाइम, बिकॉज शनिदेव ने यहाँ पर वक्री चाल ली। और 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ वीजा, 3rd हाउस बताते हैं आपको कि आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यहाँ पर चीजें स्लो हो जाएगी, बट स्लो होगी, डिनाई नहीं हो गई है, राइट। आप उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए, आपको भले ऐसे टाइम पे ना सिर्फ एक ही बंदा बचा सकते हैं, विष्णु जी, क्रिएटर हिमसेल्फ, द प्रिजर्वर हिमसेल्फ, एक्चुअली प्रिजर्वर ही क्रिएटर भी है रोहित जी, कितनी अच्छी बात है ना। सही बात, ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं लेकिन ब्रह्मा जी को भी क्रिएट विष्णु जी नहीं किया है, सो प्रिजर्वर इज द क्रिएटर, बट क्रिएटर क्रिएट्स एंड देन प्रिजर्वर प्रिजर्व्स। वाह, यहाँ पर सैटर्न मूव करेंगे रेट्रोगेट पोजीशन में, डरने की जरूरत नहीं। मैंने एंड ऑफ द वीडियो में एक बहुत अच्छी चीज भी बताई जिसकी वजह से आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सैटर्न यहाँ पर क्या रिजल्ट देगा। और रोहित जी June 20th से 30th के बीच में अच्छी बात है कि मान सम्मान बढ़ेगा, 7th हाउस में आ गए, आके बैठ गए बुध, बुध मतलब अपने से 10वें घर से 10वां आके बैठ गए, जहां पर वो एग्जॉल्टेड होते हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि ही वो है 6 नंबर, यहाँ से वो अपने से 10वें 10वां आके बैठ गए, तो इसका मतलब है 7th हाउस इज द हाउस ऑफ स्टेटस अथॉरिटी, यहाँ पर आपको कोई स्टेटस अथॉरिटी मिलने के चांसेस हो जाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे, बिकॉज यहाँ पर देखेंगे ना कि हम सूर्यदेव अपने से 11वें बैठे और बुध देव अपने से 10वें बैठे, तो दैट मीन्स 100% गेन्स भी होना है, 100% आपकी करियर में भी ग्रोथ होनी। सो ये रोहित जी सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए मिला जुला है, विष्णु सहस्त्रनाम इज द की। सही कहा आपने, खासकर आपके लिए, तो क्योंकि गुरु आपके लग्नेश बनते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो आकाश जी से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, वीडियो कंसल्टेशन, डिटेल में बात करना चाहते हैं, वो मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल सेंड करें, टीम आपको कॉन्टेक्ट कर ले। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए जून 2023 का महीना कितना खास है, कैसे प्रिकॉशंस हैं, क्या मिलने वाला है, आइए जानते हैं मकर लग्न। मकर लग्न वालों के लिए भी अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रिकॉशंस लेने की तो हर सब लगन को जरूरत है, क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, बट इसके साथ साथ शुक्रदेव 7वें घर में आ रहे हैं, यानी आपके कोई लव स्पार्क आपकी लाइफ में होने वाला है, यहाँ पर कोई रिलेशनशिप्स में नई डेवलपमेंट होने वाली है, यहाँ पर किसी तरह से आपके पुराने रिलेशनशिप्स हील होने के चांसेस हो जाएंगे, यहाँ कहीं ना कहीं यू नो शुक्रदेव एक्चुअली तो कहते हैं ना शुक्रदेव उसका ग्रह है प्यार का, और अपने ही एक हिसाब से अगर काल पुरुष की कुंडली देखे तो 7वां घर शुक्रदेव से इन्फ्लुएंस्ड होता है,
तो यहाँ पर शुक्रदेव का आना मतलब ये हील करेगा आपके रिलेशनशिप्स को, इमोशनली कहीं ना कहीं आपको हील कर देगा। दूसरी बात शुक्रदेव का यह है कि वो देखिए अपने से दसवें बैठे हैं, यानी अगर आप टेंथ हाउस को देखें तो टेंथ से टेंथ बैठे हुए हैं, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले इस टाइम पे, क्योंकि वो फिफ्थ से भी थर्ड बैठे हुए हैं, थोड़ी सी मेहनत कर ले तो इस टाइम पर आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टेटस मिलने के चांस है, प्रमोशन मिलने का चांस है, या कहीं ना कहीं आपकी रिकॉग्निशन मिलने का चांस है ना। सो इस टाइम पर आपको अच्छा ये हो जाएगा, बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर रोहित जी बुध देव एंटर कर जाएंगे टॉरस में, यानी शुक्रदेव के घर में, आपकी क्रिएटिविटी सेवन फोल्ड बढ़ जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी का अलग ही लेवल डिमेंशन खुल जाएगा इस टाइम पे, क्योंकि बुध देव क्रिएटिविटी के मालिक है, और इस टाइम पे वो जब शुक्र के घर पे आ जाएंगे तो वो आपका एक ब्रेन ऐसा खोल देंगे ना कि आप बोलेंगे कि स्टार्टअप करना, चलो लेट स्टार्टअप, क्योंकि सूर्यदेव भी वहां पर है, और सूर्यदेव और दोनों मिलके आपस में ना दे कैन डू वंडर्स इन द फिफ्थ हाउस, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, धर्म, सब चीज का जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट का सबका स्टार्ट पॉइंट इज फिफ्थ हाउस। यहाँ पर सूर्यदेव जेमिनाई में चले जाएंगे 10-15 जून को, यानी 15 जून को वो आ गए आपके सिक्स्थ हाउस में। वी हैव टू बी केयरफुल, देखो एक हिसाब से तो वो बना देंगे यहाँ पे विपरीत राजयोग, क्योंकि वो आठवें घर के मालिक है और छठवें में आ गए, लेकिन अपने से टेंथ बैठे हैं, तो हमें अपने लेग्स का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अपने स्टमक का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर कोई बीमारी भी दे सकते हैं। अगर आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं और इस टाइम पे डेट है, तो आप इस टाइम पे जीत जाएंगे, आपकी कोई आपको कोई हरा नहीं पाएगा, सूर्यदेव का जो तेज है ना वो इतना ब्यूटीफुल है कि वो आपको कोई हरा नहीं पाएगा इस टाइम पर। और साथ साथ में खाली थोड़ी सी अभी जो इशू आ गई वो आ गई आपके धन, कुटुंब और वाणी वाले घर में, ये सेकंड हाउस में रोहित जी देखिए सैटर्न आके रेट्रोगेट हो रहे हैं, सैटर्न का रेट्रोगेट होना मतलब लगन की तरफ जा रहा है सैटर्न, और सैटर्न का यहाँ पर रेट्रोगेट होना यानी धन मिलने में डीले, आपका प्रमोशन हो जाएगा पर पैसे नहीं बढ़ेंगे, स्टेटस मिल जाएगा पैसे नहीं बढ़ेंगे, स्टार्टअप हो जाएगा लेकिन बहुत स्लो हो जाएगा, बोलेंगे यार स्लो स्टार्टअप मैंने किया, मैं तो सोचा था रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन नहीं, इस टाइम पे वो आपको थोड़ा सा डिले कर देगा। आपका चाइल्ड बर्थ का डॉक्टर ने डेट दिया होगा कि ना आपकी चाइल्ड बर्थ हो जाएगी 17 जून को, यानी 17 जून को, लेकिन ये चाइल्ड बर्थ होते होते हो जाएगी 28 जून, तो इस तरह से थोड़ा डिले आने के चांसेस हो जाएंगे आपको, बट डिले है, डिनाई नहीं है, डिले हो जाएगी चीजें बट डिनाई नहीं होगी, सो नो वरीज, होल्ड करिए, मेक श्योर कि कोई गलत जल्दबाजी में अपना स्पीच खराब ना करे, कोई अच्छी गलत डिसीजन ना ले लिया, किसी को उल्टा सीधा ना बोले, क्योंकि आपको ही तकलीफ होनी आगे चलकर। जून 20 से 30 के बीच में बुध यानी मरकरी देव चले जाएंगे जेमिनाई में, अपने ही राशि में, ये देखो, और ये बना दिया उन्होंने यहाँ पर बुध आदित्य योग छठवें घर में। सो अगर आप हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम अभी चल रही थी, अब बुध देव आके यहाँ का आपको बचा लेंगे, और बचा के आपको वो दवाई आपको मिल जाएगी जिससे आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। Yes, आपने जो कोर्ट केस जीता है या आपने जो लिटिगेशन या आपने एनिमी से आप जीते हो, तो यहाँ पर आके आपके एनिमी, और आप इस टाइम पर ऐसे सिचुएशन में रहेंगे कि आप अपने कहते हैं ना वो रोहित जी, आप आपके ऊपर ऐसी शील्ड रहेगी कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड फील करेंगे अपने आप से कि आई एम प्रोटेक्टेड, नो वरीज एट ऑल। सो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए ये टाइम इज वेरी गुड, आई होप कि और इफेक्टिव और अच्छा हो जाए जी। बहुत ध्यान से मैं मकर लग्न वालों का अक्सर सुनता हूँ क्योंकि अपना ही लग्न है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इतना विस्तार से जानकारी देने के लिए, बताने के लिए, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया चैनल का हिस्सा बनने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। लग्न आप नए हैं इस चैनल के, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और जो लोग आकाश जी से पर्सनली बात करना चाहते हैं, डिटेल चार्ट रीडिंग चाहते हैं, वो मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल शेयर करके वीडियो कंसल्टेशन के जरिए आकाश जी से 1-to-1 बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव के एक और लगन की, यानी कि कुंभ लगन की। तो कुंभ लगन वालों के लिए कैसा रहेगा ये जून का महीना, मिला जुला या बहुत बढ़िया? रोहित जी इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि रोहित जी देखिए इनका जो लगन का मालिक है वो ही वक्री होने वाला है, और वो सतवीश नक्षत्र में वक्री होगा, तो इनके लिए थोड़ा सा एक डिफिकल्ट फेज हम देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर रोहित जी देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम बात करते हैं सबसे पहले शुक्र से, शुक्रदेव जो है उन्होंने आ गए हैं इनके छठवें घर में, यानी इन्हें रोग ऋण शत्रु वाले घर में, और वो इनके भाग्य के मालिक भी है और इनके सुख के मालिक भी है, तो एक हिसाब से मूल त्रिकोण हो गए इनके लिए, या एक हिसाब से नहीं मूल त्रिकोण नहीं है, क्या कहते हैं उसको, बहुत लाभदायक हो गए।
बहुत लाभदायक हो गए, लेकिन अब देखो दोनों के मालिक आ गए छठवें घर में, तो यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स, किडनी स्पेशली किडनी की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है, तो किडनी स्टोन वोन के लिए ध्यान रखिए अपना। लेकिन यहाँ पर बैठ के एक अच्छा काम कर देंगे कि शत्रु को मित्र बनाने की कोशिश करेंगे, जितने भी शत्रु है उनको कहीं ना कहीं मित्र बनाने की कोशिश करेंगे शुक्रदेव। बुध देव रोहित जी आ जाएंगे टॉरस में, यानी शुक्रदेव के घर में, फोर्थ हाउस में, ये सुख के घर में। अब यहाँ पर देखिए रोहित जी, बुध जब सुख के घर में आएंगे और सूर्यदेव भी वहां बैठे हैं, और सूर्यदेव देखिए क्या रूल करते हैं यहाँ पर, रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में भी सुखी हो जाएंगे। और उसी तरह बुध देखिए आठवें घर को रूल करते हैं, और बुध रूल करते हैं यहाँ पे पांचवें घर को, तो बच्चों से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, सब में आपको सुख मिलने की या लाभ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप इस टाइम पे वाहन भूमि कुछ लेना चाहते हैं तो वेरी गुड, मेक श्योर 17 तारीख के पहले सारी डील खत्म करें, क्योंकि जब सूर्यदेव एक बार जेमिनाई में चले गए पांचवें घर में, ठीक है, 15 जून की तरह, मतलब 15 जून के पहले ही सब कर लीजिए, 15 जून को चले गए सूर्यदेव यहाँ पर, तो सूर्यदेव आपको कहीं ना कहीं नया लव अफेयर या नई नई कोई प्यार मोहब्बत या कोई पड़ोसी से प्यार मोहब्बत या ऐसे कुछ कराने की कोशिश करेंगे, या आपको कहीं ना कहीं कोई प्यार में डाल देंगे, लाइक कोई रिलेशनशिप की कमिटमेंट में डाल देंगे। ये कमिटमेंट खाली प्यार नहीं होता, ये बच्चों से भी हो सकता है, वाइफ से भी हो सकता है, सबसे हो सकता है, ये कोई कमिटमेंट में डाल देंगे कि आपको कमिटमेंट के बाहर ना आ। सो आपको जो भी काम करना है वो अपनी कमिटमेंट 15 जून के पहले पहले कर लो, ताकि इस टाइम पे आप कमिटमेंट के अंदर रहो, आपको और कोई नया झटका ना लगे। लेकिन शनिदेव फिर उसके बाद 17 तारीख को मूव होना पड़ेगा लगन में, दैट मींस आप कितना भी एफर्ट डाल लो सारी चीजें स्लो हो जाएगी, आप कितना भी भाग दौड़ लो सारी चीजें स्लो हो जाएगी, आप कितना भी अपना दिमाग लगा के सोच लो आज रात को मैं दुनिया बदल दूंगा, लेकिन नहीं बदलेगी, वो टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा आपके, थोड़ा डिले हो जाएगा, डिनाई नहीं है, तो मेक श्योर कि आप है ना, डिले हो रहा है तो उसके लिए डिसहार्टन ना होइए, इनफैक्ट उसके लिए और आपको समझ लो टाइम मिल गया है ना, एग्जाम का पेपर लिखने के लिए 20 मिनट चाहिए थे और मैं पास हो जाता, बस वही वाला मामला है। शनिदेव आपको 20-25 नहीं, आपको 2 महीने दे रहा है कि तुम 2 महीने लो और ध्यान से सोचो जो आप कर रहे हो, क्या वो सही है कि गलत। स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म कर देता है शनिदेव इस टाइम, है ना, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर देगी, आप ना वापस एक बैक सीट लेके सोचोगे कि मैं सही कर रहा हूँ कि कुछ गलत कर रहा हूँ। सो ये टाइम आपको मिल जाएगा, तो इसको पॉजिटिवली लीजिए, नेगेटिवली नहीं। बुधदेव उसके बाद जेमिनी में, यानी आपके फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे, क्रिएटिविटी अदर पीक रहेगी आपकी, क्योंकि बुधदेव आपके दिमाग के मालिक है, आप दिमाग यूज करके यू विल बी स्टार्टिंग टू अगेन मनी, क्योंकि बुधदेव यहाँ से सीधा देख रहे हैं कौन से घर में, रोहित जी 11वें घर में, और उस उधर और किसकी दृष्टि है, उधर दृष्टि है गुरुदेव की भी, तो दैट मीन्स ये दोनों मिलकर एनहेंस करेंगे उस इस टाइम में कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाए, आपको कहीं ना कहीं लाभ हो जाए। सो पांचवा घर वैसे भी लक का घर है, तो इस टाइम पे अपना लक यूज करिए, लॉटरी खरीदिए या कोई अनएक्सपेक्टेड धन आने के आपको चांसेस है इस टाइम पर। अनएक्सपेक्टेड धन आने की चांसेस तो है, पर लग्नेश वक्री हो रहे इसलिए ध्यान रखने की भी जरूरत है, तो विष्णु सहस्त्र नाम तो हम सबके लिए कहते हैं जरूर करें, और बहुत बहुत शुक्रिया भी जरूर कहते हैं, क्योंकि आप लोग हमें लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन के जरिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, और जो कंसल्टेशन आकाश जी से लेना चाहते हैं पर्सनली, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं, लाइफ फंसी हुई है, तो मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन आपको मिल जाएगी। अब पहुंच गए हैं जी हम मीन लगन पे, क्योंकि लंबा इंतजार सबसे ज्यादा इनको ही करना पड़ता है अपना भविष्य जानने के लिए, तो मीन लगन के लिए जून 2023 का महीना क्या खास है आजकल रोहित जी? नहीं करते क्योंकि ये सीधा वो काउंटर दबा के आ जाते हैं मीन लगन, है ना, बट सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़े। मीन लगन वालों के लिए देखिए रोहित जी, शुक्रदेव चले जाएंगे इनके फिफ्थ हाउस पे, सौम्य ग्रह है, सौम्य घर में जा रहे हैं, इनके आठवें घर के मालिक है और इनके थर्ड हाउस के मालिक है, तो इनके ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन और रिसर्च के मालिक है, और पांचवें घर में जा रहे हैं जो धर्म का स्थान है, यहाँ पर लक्ष्मी माँ की उपासना जरूर करें, लेकिन पांचवें घर में शुक्रदेव का बैठना आपके लिए वेरी गुड रिजल्ट लेके आएगा, मेन इनकी दृष्टि की वजह से। रोहित जी यहाँ पर बैठे हैं मंगलदेव और दृष्टि उन्होंने डाली है इनके 11वें घर पे जो है नीच की दृष्टि, लेकिन ये इनकी जो दृष्टि जाएगी यहाँ पर 11वें घर में वो जाएगी एक अच्छी दृष्टि, क्योंकि इनके परम मित्र का घर है, इसीलिए यहाँ पर से इनको अच्छे इनकी जो मनोकामना है वो अब पूरी होंगी। अगर इनको प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी या लास्ट मंथ इनके साइकिल में नहीं प्रेग्नेंट हो पाए, तो इस टाइम ट्राई करिए, जैसे ही शुक्रदेव यहाँ आ गए, शुक्रदेव तो कारक है बच्चे का, बच्चों का कारक शुक्रदेव ही है, तो शुक्रदेव आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे सकते हैं इस टाइम पे, बहुत जोर शोर से ट्राई करिए क्योंकि होना ही होना है। यहाँ पर रोहित जी जो लोग फैमिली
जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे थे उनकी अब बात बनने वाली है, क्योंकि शुक्रदेव आ गए हैं फिफ्थ हाउस में। इसके बाद रोहित जी जो बुध देव है वो ना टॉरस में यानी वृश्चिक में चले जाएंगे, वो चले जाएंगे 7 जून को, 7 जून को वृश्चिक में जाएंगे तो वो थर्ड हाउस में चले जाएंगे। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का घर है, यहाँ पर सूर्यदेव ऑलरेडी बैठे हैं, खाली ना थोड़ा इगोइस्टिक कम्युनिकेशन से बचे, खाली थोड़ा हार्श कम्युनिकेशन से बचे। बुध देव यहाँ जाकर ये संभाल तो लेंगे इस पूरे मामले को, बट यू नो 7 से लेके 15 के बीच में जब सूर्यदेव यहाँ पर अकेले है तो वो टाइम पर ना आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से वो आपको कम्युनिकेशन में किस तरह से आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा छोटी मोटी भूल की वजह से ही बड़ा लॉस ना हो जाए, ये खाली एक बात है। जून 10 से लेके 20 के बीच में अगर देखें तो आ गए सूर्यदेव जो आपके इस कुंडली में है ना रोग ऋण शत्रु के मालिक है, वो आ गए आपके फोर्थ हाउस में, यानी मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ध्यान रखना इस टाइम पर मदर की हेल्थ, अपने वाहन का एक्सीडेंट्स ये सब चीजों के ना पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है इस टाइम पे, क्योंकि ना सिक्स हाउस का मालिक अपने से 10th आके बैठ गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उसको एनहांस कर देगा वो चीजों को जो आपके। अच्छा ऐसा नहीं कि ये हैप्पीनेस नहीं देगा, ये टाइम पे अगर आपकी कोई पुरानी डील चल रही हो जिसमें आपको घर नहीं मिल रहा था, पैसे नहीं आपके वापस आ रहे थे, आपकी कोई प्रॉपर्टी अटकी हुई थी, या कोई गाड़ी नहीं बिक के उसके पैसे आए थे, या कोई दोस्त पैसे ले गया वो दे नहीं रहे, वो आपको वापस आने के चांसेस है। लेकिन हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको ध्यान रखने के लिए, खास करके अपना चेस्ट एरिया, और फॉर वुमेन उनका चेस्ट एरिया उनके उनको ध्यान से देखना है कि कोई उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है उनके चेस्ट के ऊपर, है ना, या उनको कोई लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोरोना वोरोना भी आजकल चल रहा है तो थोड़ा ध्यान देना है। इसके बाद रोहित जी जो मेन इवेंट है साल का वो है शनिदेव, शनिदेव जो रेट्रोगेड मूव करने वाले हैं, और वो मूव करेंगे रेट्रोगेड इनके 12वें घर में यानी इनके लॉसेस के घर में, एक हिसाब से बहुत अच्छा है मीन लगन वालों के लिए, सारी चीजें डिले हो जाएंगी। अगर आपकी कोई लॉसेस हो रही थी या आपकी कोई हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही थी या आपको बोला था कि नहीं ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो आपको ना अभी भगवान ऑटोमेटिकली अपने आप टाइम दे देगा स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कि नहीं आप ना आपका ऑपरेशन तो करना है, लेकिन ना हम 2 महीना रुक जाते हैं, देखते हैं कि क्या ये दवाई ठीक करती है, असर करती है कि नहीं करती है, यार ये ना हमें ये पैसा भरना था लेकिन अभी हमें आगे 3 महीने का नोटिस मिल गया हमें कि नहीं हम 3 महीने बाद भरेंगे, तो आपके पास थोड़ा लेवरेज थोड़ा टाइम आ जाएगा। यही तरह से कोई भी स्पिरिचुअलिटी को आप परस्यू करने की कोशिश कर रहे थे उसमें भी डीले आ जाएगा। सो अगर आप सोच रहे थे कि नहीं मैं योगा ज्वाइन करना ही करना है, मेडिटेशन करना है, इसमें डीले आ जाएगा, आप फिर से लेजी हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं इससे फाइट करके अगर आप आगे आएंगे तो ये बेनिफिट होगा। बुध देव रोहित जी चले जाएंगे जेमिनाई में 24 जून से, है ना रोहित जी, जेमिनाई में चले गए यानी फोर्थ हाउस में चले गए अपने ही घर में, तो यहाँ पर ये 100% पीस हैप्पीनेस, और जो प्रॉब्लम सन के थ्रू हो रहा होगा या बाय चांस थोड़ा भी हो रहा होगा रिलेटेड टू कोई लॉस या समथिंग या कोई हेल्थ प्रॉब्लम, ये सब उसको सॉल्व कर देंगे, मदर की हेल्थ में अब बेनिफिट भी आने लगेगा और आपको धन लाभ भी करवाएगा। ये मालिक है 7th हाउस का यानी पार्टनरशिप्स का, और ये मालिक है ऑटोमेटिकली 4th हाउस का जो हमेशा आपको लाभ यानी लग्जरीज देता है। सो रोहित जी ये था पाइसिस एसेंडेंट के लिए। अब रोहित जी बिफोर आप इंट्रोडक्शन दो दूसरों का, मैं आपको कुछ एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ जो सारे 12 लग्नों के लिए। तो रोहित जी जब सैटर्न रेट्रोगेट होंगे तो ये ना काफी सारी चीजें अपने साथ लेके भी आते हैं, डीप हीलिंग एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ये डिपेंड करता है आपके चार्ट पे और आपके प्लेसमेंट्स पे। यहाँ सत्विशा नक्षत्र के हिसाब से ये हीलिंग एनर्जी लेके आते हैं आपके अंदर, जहां पर ये ना ये रेट्रोगेट सत्विशा नक्षत्र की एनर्जी हीलिंग ही है, तो ये ना कहीं आप ना जब ये पीछे पीछे की तरफ चलने लगते तो आप ना सोचते हो अपने आप से बात करते हो कि ना मेरे जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है जो ट्रॉमाज मेरे है ये ना ये इसको ना मुझे ग्रोथ में बदलना है, ये मुझे अभी नहीं सोचना है इसके बारे में, ये इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। सेकंड लाता है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट, जब भी बड़े बड़े संतों को एनलाइटनमेंट मिली वो टाइम पे शनिदेव वक्री ही थे, क्योंकि वो टाइम पे ही जो पेन होता है ना वो पेन के अंदर ही आपको इनर आपके अंदर ना अंदर आत्मा आपकी ना जल रही होती है। आप अंदर ना ये पीरियड में मेडिटेशन करोगे ना तो आप कहाँ जाओगे यू कांट इवन इमेजिन, आप पास्ट में जाओगे, आप अपनी पास्ट लाइफ में जाओगे, आप अपने पास्ट कर्मों में जाओगे, सो वहां पर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट मिलने के चांसेस। उसी तरह से अनकन्वेंशनल थिंकिंग भी दे देता है ये कि ना मेरे को ह्यूमैनिटेरियन के लिए काम करना है, मेरे को किसी के लिए अच्छा करना है, मैं यू नो जैसे मैं सफर कर रहा हूं या मेरे पास जो है मैं सब कुछ यहाँ देना चाहता हूँ, मैं इन लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, तो इस तरह की चीजें भी दे देता है यहाँ पर रोहित जी। मैंने ह्यूमैनिटेरियन के बोले सोशल चेंज दे देगा ये, और ये ना कोई हिडन ट्रुथ्स जैसे कोई कोई चीज ना जो हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि जो पीछे रह गई हो हमारी,
हम जाके उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते कि नहीं यार, इन्वेस्टिगेट करते कि सही है गलत है, ये ना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था, क्या ये इसके अंदर से कुछ चीज निकल के आएगी. सो ना हम वापस वो पास्ट में जाके हम उसको वापस एक बार निकाल के ला सकते. तो ये जितने भी लॉ में काम करते हैं लोग, उनके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि दे कैन डिग द पास्ट एंड गेट सम न्यू क्लूज ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो रोहित जी, ये आप ये इस तरह की ना ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी भी सैटर्न में होती है. बहुत अच्छी जानकारी, खासकर उन लोगों के लिए जो शनि वक्री से हमेशा डरे रहते हैं, जिनकी कुंडली में शनि वक्री होते हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया काश जी, बहुत धन्यवाद इस तरह की जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि भ्रम भी दूर हो. और आप सब लोगों से भी एक बार फिर से कहेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, खुद भी करें, बाकियों को भी जोड़ें, जिंदगी में आपके बदलाव आएगा. एक सबसे बड़ी रेमेडी आप मान लें या बदलाव मान लें. और जो चैनल के लिए नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, चैनल का हिस्सा बने हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद. और जो कंसल्टेशन आकाश जी से पर्सनली चाहते हैं, वो डिटेल्स नीचे हैं स्क्रीन पे, आप कभी भी कॉन्टेक्ट करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम.